इन लोगों की तरफ से कोई फितना, तो अल्लाह ने भी अपनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के अंदर से कोई ना कोई इन्हीं जवाब देने के लिए उठाया, और उन्होंने ऐसा दंदा शिकन जवाब दिया कि फिर तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आज के माहौल, खासकर जो फिलिस्तीन का मामला हो रहा है, जो गज़ा पर बमबारी हो रही है, इसका अक्स आपको तारीख में देखना है तो वह सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। और नतीजा आज अगर आप निकालना चाहें तो भी वही नतीजा है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दिया था। जो आज का डूम चमकता हुआ सामने है, वो नहीं पीतल का जिसके अंदर ज्यादा रोशनी है, चमक है, ये दरअसल बात की बनावट है, बहुत बात की। असल तो फीचे है जो डूम, जिसे आमतौर पर दिखाया नहीं जाता। ये बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा और शाम का पूरा इलाका, इसकी सबसे बड़ी दलील है कि बड़ी हुरमत वाला और बड़ी बाबरकत ज़मीन है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों अंबिया का गुजर हुआ, सैकड़ों अंबिया की पैदाइश हुई, सैकड़ों अंबिया का मदफन रहा, और सैकड़ों मौजज़ात वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। जब ईसाइयों के कंट्रोल में आया फिर तो यहूदियों के लाले पड़ गए। उन्होंने यूं नफरत का सलूक किया, यूं मारा, जिसका आपको आखिरी हिटलर के ज़माने तक मिलेगा, जो 1945 में मरा। तो जितने जुल्म वो हजरत ईसा पे करके सूली पे चढ़ाए ये बदबख्त, अल्लाह ने बाद में ईसाइयों को पावर दिया तो वो लोग इनको इतना मारे, बैतुल मक़दिस से तो बेदखल किया ही, लेकिन इनको कहीं जीने नहीं दिया। हत्ता कि ये मारना इतना था 2000 साल पे मुहित था, 2000 साल पे छोटे छोटे किलों के मालिक थे। हर किले वाला चाहता था कि सुल्तान अगर आ जाएगा तो मैं उसकी पैरवी करना पड़ेगा, इस वास्ते सुल्तान आगे ना आए। तो पहले खाना जंगियां बहुत हुई मुसलमानों के खिलाफ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाना पड़ा। यहां तक कि इनके बड़े जो थे ना, उन्होंने अंदाजा लगा लिया ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम सुल्तान अय्यूबी का मुकाबला कर सके। अब उन्होंने क्या किया है, सफेद झंडा लहराया है कि हम कुछ तो कुसलाह करने वाले हैं, लेकिन हमारे शरायत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन, इन बयानों के मुख्तसर क्लिप्स के लिए हमारा दूसरा चैनल हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी शॉर्ट क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أسأل الله کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान, बरादराने इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा तो कामिल व अकमल व अतम बना के उतारा। फरमाया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुमसे राज़ी हो गया क़ियामत तक के लिए इस दीन इस्लाम की हैसियत से। और इस दीन की सबसे बड़ी ख़ासियत ये फरमा दी जो मैंने अभी तिलावत की है कि युरीदून लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये बदबख्त लोग, पीछे आयत में ज़िक्र है यहूद व नसारा का, तो सबसे पहले ज़मीर वहाँ लौटेगी कि युरीदून लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये यहूद व नसारा, मुशरिकीन, मुल्हिदीन, काफिर, जो कुछ भी इस्लाम के अलावा हैं, वो सब मिलके चाहते हैं कि अपनी फूकों से इस नूर को बुझा दें। नूर ऐ नूरुल इस्लाम, इस्लाम का नूर, हाँ इस्लाम का नूर यहाँ मुराद है। तो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं ये, कैसे कैसे, अपनी फूकों से। लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँहों की फूकों से बुझाना चाहते हैं। वयाबा अल्लाह, अल्लाह इनकार करता है, ये चाहते ये हैं लेकिन अल्लाह इनकारी है। इल्ला अन युतिम्म नूरह, यहाँ तक कि इस नूर को तमाम कर दे। हाँ, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, ये चाहते हैं मिटा दें इस्लाम को। अल्लाह कहता है कि मैं चाहता हूं, मिट नहीं सकता तो फिर किसकी चलेगी, तेरी चलेगी या मेरे रब की चलेगी, मेरे रब ही की चलेगी। वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरह वलव करिहल काफिरून, काफिरों को कितना ही नागवार क्यों ना हो, दूसरी जगह आया वलव करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों ना हो। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा, वही जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिदायत के साथ, व दीनिल हक, और दीन हक को देकर, क्यों, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि तमाम अदियान पर यह गालिब आकर रहे। यह वादा है रब का, क़ियामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब आकर रहेगा, फिर क़ियामत होगी। जब तक तमाम अदियान पर इस्लाम गालिब नहीं आएगा तब तक क़ियामत कायम नहीं होगी। वलव करीहल मुशरिकून, मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों हो। यही आयत यहाँ पर तौबा में भी आई है और यही आयत आगे चलकर सूरह फतह के आखिरी में भी आई है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि वही है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको भेजा दीन हक देकर, क्यों, ताकि ये तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। तो अदियान पर अभी मुकम्मल गलबा हमें नहीं मिला, ये वादा बाकी है। मक्का फतह हुआ,
हिजाज मुकम्मल का मुकम्मल फतह हो गया, फिर आगे चलकर रूम फतह हुआ, फिर ईरान भी फतह हुआ, फिर बहुत बाद कुस्तुनतुनिया भी फतह हो गया, लेकिन मुकम्मल पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला ये वक्त अभी नहीं आया। लेकिन जब तक वो नहीं आया कियामत भी आ नहीं सकती, ये होकर रहना है, फिर इसके बाद ही कियामत आएगी। जैसा कि हदीस का मफहूम है कि खैमा खैमा, घर घर, कोना कोना, चप्पा चप्पा, ये इस्लाम दाखिल होकर रहेगा हत्ता के जिजिया उठा लिया जाएगा। जैसे कि हजरत ईसा के दौरे मुबारक में फरमाया कि खास तौर पर जो काम करने के लिए हजरत ईसा नाजिल होंगे क़ुर्ब क़ियामत की निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी, उसमें एक तो क्या है, सलीब को तोड़ेंगे और दूसरा क्या है, जिजिये को उठा देंगे। क्या मतलब, मुसलमानों के अलावा कोई रहेगा नहीं। जिजिया किसे कहते हैं, मुसलमान की हुकूमत में कोई गैर मुस्लिम टैक्स दे के अपनी हिफाजत करवा लेना, इसे कहते हैं जिजिया। यानी कोई गैर मुस्लिम अमन के साथ रहना चाहता है इस्लामिक ममलकत में तो इजाजत है, क्योंकि मजहब पे जबर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन का माना वही है वहां पर, यानी कि हमारे लिए है, हम क्या बोलते हैं इसे, हमारे वास्ते कि जी दाढ़ी नहीं रखे, ला इकराह फिद्दीन, भाई दीन में जबर नहीं, वाह रे वाह, ये इनके वास्ते ला इकराह फिद्दीन है, वो नहीं है, हमको पूरा इकराह है। इस्लाम कबूल करने से पहले ला इकराह है, कबूल करने के बाद पूरा इकराह है, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा, काटा भी जाएगा, कत्ल के बदले कत्ल, चोरी के बदले हाथ काटना, वहां के तुम्हें जज के सामने ला इकराह फिद्दीन, देखो मैं चोरी करा, मेरे ऊपर क्या भी जबर नहीं, हाथ काटना होगा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, चलता नहीं वहां, हाथ काटेंगे वहां बराबर। हाँ, वो अलग है जिसकी तदबीक हम गलत माने में लेते हैं। अभी गलत मफाहिम के ताल्लुक से शेख फरमा रहे थे, बड़ी अहम तरीन और एक ही हदीस में पूरा खुलासा जो बयान किए, ये सब ऐसे ही गलत कुरान और हदीस के हवाले तो देंगे लेकिन समझेंगे गलत, सलफ से हटकर समझ, वहां से बर्बादी शुरू होती है असल में। तो ये जो है ना, ये मामला बहुत अहम तरीन है कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ये जो है ना, ये मुकम्मल तौर पर ऐसा कि पूरे दुनिया के अंदर सिवाय मुसलमानों के कोई और नहीं होगा, टैक्स और जिजिये का कोई मफहूम ही नहीं होगा, क्योंकि गैर मुस्लिम मुस्लिम कंट्री में रहे तो वो देना है, कोई गैर मुस्लिम रहेगा ही नहीं। और ये हो के रहेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, लेकिन इस असना के दौरान, यूं समझो कि ये जहां से आयत उतरी या तकमील दीन हुआ फतेह मक्का का, वो दिन याद रख लो जो यौम अरफा था, जुमे के दिन था, जो हजरत उमर रिवायत करते हैं कि वो दिन जुमा का था, अरफा का था, जब ये नाजिल हुई ये आयत सूरह मायदा की 3वीं के अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दरअसल उस दिन से लेकर जहां हदीस के वो अल्फाज आ गए कि जहां अल्लाह ताला हर घर, हर खैमा, हर कोना, हर चप्पा चप्पा इस्लाम दाखिल करके रहेगा, यहां तक कि जिजिया देने वाला कोई नहीं बचेगा। इस दौरान बहुत लंबी तारीख है जहां पर हक परस्तों की और बातिल परस्तों की एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद की, हजारों मर्तबा, जैसे अल्लाह ताला कहता है लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम, अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए अपनी भूखों से कोशिश किए यहूद नसारा काफिर मुशरिक, हजारों मर्तबा हुआ, लेकिन अल्लाह ने कहा कि वयाबल्लाह, अल्लाह इनकार करता है, तो अल्लाह ने भी अपने अपने खास बंदों को उठाया, ऐसे उठाया, उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ की, उन्होंने ऐसी शुजाअत, ऐसी बहादुरी दिखाई, ऐसा ईमानी वलवला और जज्बा पैदा कर दिया, तारीख उसको भुला नहीं सकी। और जब भी ये उठा इन लोगों की तरफ से कोई फितना, तो अल्लाह ने भी अपनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के अंदर से कोई ना कोई इन्हीं जवाब देने के लिए उठाया, और उन्होंने ऐसा दंदा शिकन जवाब दिया कि फिर तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो ये बातिल और हक की जंग जारी रहेगी यहाँ तक कि हजरत ईसा ना आ जाए, और उनके यहाँ ये आखिरी जंग होगी जहाँ पर वो कहेंगे कि आज मुसलमान बाकी सब फना,
हत्ता के दीवारें और सुतून और झाड़ और दरख्त भी पुकार उठेगा कि या अब्दुल्लाह, ये अल्लाह के बंदे, यहां छुपा हुआ है यहूदी, मार इसे, यहां काफिर छुपा हुआ है, मार। हत्ता के वो आखिरी जंग जिसमें दज्जाल को कत्ल करके मुकाम लुद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तलवार को निकाल के दज्जाल का खून बता के कहेंगे कि देखो मैंने मार दिया उसको। अब यहां के बाद फिर दरअसल वो होगा जो पूरे आलम में इस्लाम होगा। इस दौरान की जिंदगी, इस दौरान का अरसा, इसमें क्या कुछ हुआ, ये बहुत लंबी तारीख है जिसके लिए यह मौका सही नहीं है। इसके लिए तो घंटों चाहिए। अभी तो क्या है, हम एक घंटा दो घंटा बैठने के लिए मचल रहे हैं, ऊपर नीचे हो जा रहा बंदा, कोई उठ रहा, कोई जा रहा, कोई आ रहा, हमको सुकून भी नहीं है बैठने में। वही तीन तीन घंटे पलक झपकाए यूं देखता पिक्चर, ऐसे देखता, वो भी कब, रात में नींद आती फिर क्या हम क्या पोछले को देखता फिर एक मरतबा। हाँ, वो क्या है, जौक है, वो शौक है। इसलिए क्या है, उसमें हमको मुश्किल नहीं पेश आती, इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्टिंग थी जी फाइट उसकी, ऐसा देखा 100 मरतबा देखा जी फिर भी देखता हूँ, हाँ हाँ माशाल्लाह, क्या इंटरेस्ट लगता है तुम्हें, हाँ मूवीज में और इस तरह के हराम कारियों में इंटरेस्ट नहीं है तो किस में नहीं है जी, दीन में नहीं है, बैठते ही नहीं आती, क्या करूँ मोल, सब वोट शौक से आता है लेकिन मालूम ही नहीं, बैठा सो एक ही मालूम, फिर कहीं दूसरा उठाना होता है, जय अजान का टाइम हो जाए कम अज कम अब तभी उठो, नहीं तो चाय तभी पी को मरोगे, तो अच्छा भाई लाओ चाय पी लिया, हाँ ये हालत हमारी, क्यों नहीं आती भाई, तवज्जा नहीं, इंटरेस्ट चाहता ही नहीं दिल, जब दिल ना चाहे तो वही होगा ना जी, हमारे पास इसके लिए रगबत ही नहीं है, तो हमारे अंदर ये चीजें सही तौर पर जागुजी दिल में नहीं होती है मेरे भाइयों, इसके लिए मुश्किल पड़ना पड़ता है। मुझे अभी हाल में एक बहुत बड़े आलिम से मुलाकात, उनका जुमला बड़ा प्यारा लगा मुझे, ये झाड़ झंकार और इस तरह के कांटेदार दरख्त और जो कुछ भी हम देखते हैं, इनको कोई पेरना, देखभाल करना और कोशिश करना और इसके लिए ज़राअत करना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद उगते चले जाते हैं, लेकिन एक अच्छा पेड़ पेरना और उसमें से बेहतरीन फल लाना और उससे बेहतरीन खेती करना, इसके लिए बहुत मेहनतें होती हैं भी जाके फल मिलता है। ऐसे ही हमारी दिल की खेती भी याद रखो, बुराई को लेना, उसे जब्स करना, उसे हिफ्स कर लेना, गाने गुनगुनाना, मूवीज के एक्शन ऐसे ही सख्त हो जाना, इसके लिए तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी दिल की जमीन पहले से क्या है, इसके लिए तैयार है। बुराई पैवस्त हो जाती है, गाने हिफ्स हो जाते हैं, ऐसे ही मूवीज याद हो जाते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत को बिठाना, हिफ्स करना, अल्लाह तबारक व तआला के डर को इख्तियार करना, इसके लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं इस दिल के लिए, तब तक तुम्हारे दिल में एक आयत हिफ्ज नहीं होगी, याद रखो। गाने 100 हिफ्ज कर सकते हो और हिफ्ज रहेंगे बैठे हुए कई लोगों को, लेकिन एक आयत सही तरह से पढ़ नहीं सकता। वजह यह है कि झाड़ झंकार उभारने के लिए कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं होती, फलदार दरख्त लगाने के लिए बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है मेरे भाई। ये ईमान, ये इस्लाम की राह भी याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मिलती है, ये ऐसे ही बैठे बिठाए सबको नहीं मिल जाती, ना हिंजारों को, गुनहगारों को, जुल्मतों में रहने वालों को नहीं मिलती, इसके लिए भी बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ती है, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, तौफीक लेना पड़ता है हिदायत के लिए, तब कहीं जाके अल्लाह ताला दिल के अंदर वो खौफ डालता है, वो मोहब्बतें डालता है, वो ज़हानत, वो फितानत डालता है, कि फिर दुनिया देखती रह जाती है कि ये इल्म का पहाड़ कहाँ से आया। जैसे इमाम इब्न तैमिया पैदा हुए, इब्न कय्यिम पैदा हुए, इमाम अबू हनीफा पैदा
हुए, इमाम मालिक पैदा हुए, इमाम शाफई पैदा हुए, इमाम अहमद इब्न हम्बल पैदा हुए, इमाम बुखारी पैदा हुए, इमाम मुस्लिम पैदा हुए, इमाम तिरमिज़ी पैदा हुए, इमाम इब्न माजा पैदा हुए, ये तमाम लोग जो कि पहाड़ों से भी बुलंद इल्म रखने वाले, कंप्यूटर आज के 100 नहीं 1000 GB नहीं TB हार जाएंगे, उनकी हिफ्ज और उनकी जहानत के मुकाबले में इन्होंने यूं याद रखा, जबकि आज हमारे लिए एक हदीस एक आयत याद नहीं रख सकते। वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुंतखब किया, इनकी मेहनतों को कबूल किया, और वो भी वैसे ही लौ लगाने वाले, मोहब्बत करने वाले थे, वरना तो लंबी उम्रें कोई नहीं पाया था। पर 55-60 55-60 55-60 हमारे तो खेल कूद में 50 गुजर जाते हैं। 10 साल तो क्या है, बिस्तर पे लड़के बिल्कुल, या तो डायलिसिस में, या तो परेशानियों में, या शुगर में, 10 साल तो क्या है, रो रो के रेड़ियां रगड़ रगड़ के गुजर जाते हैं। 60 साल बहुत ज़्यादा हो गए, मर जाता है और बच्चा समझता है दफा हुई बला, अब तो क्या है कम अज़ कम कुछ पैसे बचेंगे, ये हमारी ज़िंदगी है, इसके लिए हम जीते हैं। जानवरों की सी ज़िंदगी, कोई ज़िंदगी का मकसद भी है हमारा, कोई एम भी है, कोई फिक्र भी है, कुछ करने का आज़म भी है। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन की हिफाजत के लिए हमेशा ऐसों को उठाया है, और जब भी हुआ है मुंह तोड़ जवाब दिया है, और रब का यह वादा इस आयत के तहत बिल्कुल सच्चा और पक्का है। वयाबल्लाहु इल्ला अय्युतिम नूरा, अल्लाह इनकार करता है कि ये लोग मेरे नूर को नहीं बुझा सकते, ये इस्लाम को नहीं बुझा सकते। शायर कहता है, कई खूब कहता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे उस शमे को कौन जी बुझाएगा, बुझाने का खतरा तो हवा से है। जब हवा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इस चिराग की हिफाजत करो, तो फिर कौन माई का लाल है कि उसको बुझा दे। हवा हिफाजत करने लगी शमा की, तो फिर कौन बुझा सकता है उसको। शायर यही कहता है कि इस इस्लाम की जिम्मेदारी तो रब ने ली है, फिर कौन माई का लाल है जो रब से न कर ले, ये बुझ नहीं सकता। आज के गजा का मामला हो, या कल के फलस्तीन का मामला हो, या सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मामला हो, या हजरत उमर इब्नुल खत्ताब के दौर का मामला हो, या इसके अलावा कभी फिर क़यामत तक पेश आने वाला कोई मामला हो, लेकिन न मुसलमानों को कोई मिटा सकता है, न इस्लाम को कोई मिटा सकता है। हम रहेंगे तो बका दुनिया की है, हम न रहेंगे तो फिर दुनिया की कोई बका नहीं है। जैसा कि हदीस का मफहूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह अल्लाह कहने वाले तक दुनिया को मिटाया नहीं जाएगा। जब पूरी दुनिया में कोई अल्लाह अल्लाह भी कहने वाला नहीं होगा, तो फिर अल्लाह दुनिया को मिटा देगा। अरे मिटाने वालों सुनो, यहूदी हो, नसरानी हो, मुशरिकीन हो, भगवा झंडे वालों हो, फला हो फला, उन सबको मुखातब करके कहता हूं, हमें मिटाना चाहते हो तो याद रखो, तुम भी नहीं रहोगे, दुनिया भी नहीं रहेगी, हमारी बका से तुम्हारी बका है, हमारी बर्बादी से तुम्हारी भी बर्बादी है। चैलेंज है कयामत तक के लिए, हमें मिटा के देखो, तुम भी रह नहीं पाओगे। जब हम मिटने का वक्त आएगा तो फिर दुनिया मिट जाएगी। तो इस वास्ते बेकार की कोशिशों में मत रहो, कोई अच्छा काम करो, कोई अच्छी खिदमत करो इंसानियत की, भाईचारगी पैदा करो एक दूसरे में, फिरकावारियत ना फैलाओ, मजलूमों को मत मारो, जालिम ना बनो। जालिम के साथ हमेशा शैतान है, मजलूम के साथ हमेशा अल्लाह है। जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई बिगाड़, उसका बाल भी बेगा नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, हमें आज जरूरत है हिम्मत की, जरूरत है हिम्मत की, जरूरत है हौसले की, जरूरत है बुलंद ख्यालात की। हम आज डरे सहमे बैठे हुए हैं, हम समझते हैं कि हमारी बर्बादी का वक्त आ गया,
हम समझते हैं कि इतने बड़े बड़े मिसाइल, इतने बड़े बड़े टैंकों और इतने बड़े बड़े हथियार के सामने हमारी दुनिया में कोई है ही नहीं इनका मुकाबला करने वाला। हम तो गए, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। तारीख पढ़ो, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाबले के लिए उठाया, ऐसे को उठाया जिन्होंने उनके नाकों चने चबवा दिए और तारीख में ऐसा नाम कमाया कि फिर इन जैसा कोई और सानी नहीं आया। डरने की नहीं, पलटने की बात है, भागने की नहीं, रुजू होने की बात है, हाँ, गुनाहों में डूबने की नहीं, तौबा करने की बात है, शिर्क में और आगे बढ़ने की नहीं, तौहीद को पकड़ने की बात है। फिर तो तुम पलट के दिखाओ। रब कहता है कि हम भी दरअसल तुम्हारी तवज्जा करें। सुम्म यतूबुल्लाह, अल्लाह तौबा करता है। क्या मतलब? नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तौबा करता है ना। ये तूबू का लफ्ज अगर अल्लाह से मिला, अल्लाह मुतवज्जा होता है, अल्लाह नजर करम करता है, अल्लाह रहमत भेजता है, ये माना है। ये तूबू का लफ्ज हमारे से मिला तो माना है हम दुआ करते हैं, हम माफी मांगते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की ये मतलब है। फतूबू इला बारीकुम, लोगो तुम सब बारे इलाह की तरफ, तुम सब अल्लाह की तरफ पलटो, तौबा करो। फतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, सूरह नूर में फरमाया, लोगो तुम सब मिलके तौबा करो अल्लाह की तरफ, ऐ मोमिनो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो अल्लाह कहता है जब ये करते हैं, थुम्म यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिक अला मन यशा, फिर अल्लाह भी उन पे मुतवज्जा होता है, अल्लाह भी अब्र रहमत गिराता है, अल्लाह तबारक व तआला भी इनकी सुनता है, अल्लाह भी मदद करता है। फिर हालत यह होती है कि जब अल्लाह मदद करता है तो फिर जमीन का वारिस भी बनाता है, आसमानों की जन्नत भी तुम्हारे लिए। वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ध कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बाद ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल फ़ासिकून। अल्लाह कहता है कि हम खौफ को अमन में बदलेंगे, हम तुम्हें खिलाफत देंगे जैसे हमने पिछलों को दी थी। शर्त क्या है? ईमान वाले बनो, नेक आमाल वाले बनो, याबुदूननी मेरी ही इबादत करो, इसके अलावा किसी की इबादत न करो, मेरे साथ किसी को शरीक न करो, तो हम भी गारंटी देते हैं कि तुम्हें को बनाएंगे। और इसके कई सबूत तारीख में मिल चुके हैं, जिसकी एक सबसे अहम तरीन दलील आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और अर्ज फलस्तीन, तारीख फलस्तीन, अभी मैं अपने टॉपिक में दाखिल नहीं हुआ, मैं तो तमहीद बांध रहा था कि वाकई आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं नहीं। यहां बैठे बैठे भी चेक कर रहे हैं कि स्कोर क्या है, बाज़ लोग इसमें रहते खाली स्कोर देख लेंगे दो दो मिनट को, क्या है गोया कि इनकी जन्नत जहन्नम लिखी हुई है वो स्कोर में, बड़ा तो इन्हों जन्नती बन जाते, कम होते इन्हों जहन्नमी बन जाते, इस वास्ते बैठ बैठ को देखते व्हाट्सएप में, हाँ क्या स्कोर, हाँ कौन मरा, हाँ हाँ इन्हें कहीं गुजी मारा इतना, अल्लाह अल्लाह क्या होता गिना, अरे बेवकूफ तुझे क्या लेन देन है उससे, मस्जिद में बैठा भी स्कोर देखता बेवकूफ, कैसा नाहिंजार किस्म का है देखिए है, गोया कि इसका पूरा उसे पता भी नहीं कौन देखता है क्या देखा, उसने आके बोला कभी वो कौन है कि मालूम नहीं, मुझे तो पुराने जमाने का एक टंडुल गरीब मालूम उन्हें, उसके बाद कौन मरा कौन गया मुझे तो नहीं मालूम, वो क्या सिस्टम भी मालूम नहीं, अब कौन खेलते ही मालूम नहीं, इंडिया इंडिया खेलती है कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान खेलती है, कौन मालूम नहीं मुझे, वाकई तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इन लोगों को इतना एक एक का क्या है, क्रिकेटर का नाम भी मालूम, उसकी पैदाइश भी मालूम, उसका फ्लेवर आइसक्रीम भी मालूम, उसे बनीन पसंद, उसे पैंट पसंद, उसे कौन सी जीन्स पसंद, सब मालूम उसे, मालूम नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं मालूम, अज़वाज मुतहरात का नाम नहीं मालूम, पाँच नाम अल्लाह के रसूल खुद बोले मेरे पाँच नाम हैं, बोले हदीस के अल्फाज हैं भाई, शेखुल हदीस बैठे हुए हैं अभी आपके सामने हदीस बयान कर, कासमी साहब से पूछिए ये हदीस सही है नहीं है शेख, पांच नाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे अपने नाम है, जरा पांच नाम बता डालो, अभी जेब में क्या है देखता हूँ, आज तो टिश्यू पेपर ही लाया मैं, लेकिन पैसा है फिर भी मेरे पास, हाँ हमारे काजिन बैठे हुए हैं ट्रेजरर साहब, उनसे लेके दूंगा,
लेकिन बोल के तो बताओ ना, हमको पता भी नहीं है भाई। पांच क्रिकेटर के नाम बोलो, सर 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 सर, छोटा बच्चा ही बोलेगा। हाँ, अब कौन टीम का बड़ा वही बोलेगा, अब क्या चलने को है, क्या मारा है उन्हें वही बोलेगा। हाँ, अभी फला वक्त में क्या हो रहा है वो भी उसे मालूम। ये सब चीजें तो हम कहें बड़े होशियार हैं इस मामले, हमको क्या पता, हमको क्या पता भाई। असल आज तमाम मसाइल का हल ही यही है कि नॉलेज। भाई आप नॉलेज हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म किताबी, इल्मी किताबी, वो नेट का डाको इंजीनियर मिर्जा बैठा हुआ ना, उसको भी जितने मानने वाले हैं सब भी अंधे भगत और अंधी अकीदत है, बेवकूफ। वो जो दिखाता वो कभी जाके वो पढ़ा ही नहीं, उन्हें खाली ऐसा स्क्रीन पे दिखाता क्या कलरिंग कर को, तू वो किताब लेको पढ़ा की, क्या दलील देता, तू दलील पढ़ा, उन्हें देता बराबर, तू पढ़ा आगे फिचेगा, नहीं पढ़ा तू भी। इन्हें नारा लगाता मैं इल्मी किताबी, हम ना बाबी ना वहाबी। हा हा, क्या अच्छा स्लोगन है ना, नया नया, ना वहा बाबी ना वहाबी, मैं हूं इल्मी किताबी। कहते इन्हें सीधा वहां गिर जाता, क्या करता उन्हें, तुम्हें दाढ़ी गिड़ी रखो ना, कुछ शेविंग कितना होना कर लेगा था। हाँ, अरे जाने दाढ़ी रखते हैं या रख लो, हिसाब नहीं लगाने के। क्या है अभी नया फतवा उसका, दो तीन साल पहले आया, काई को भाई तुम्हें बाकायदा तौर पर मेहंदी लगा ले को, लोगों में मशहूर होते हैं, बुढ़े हो गए बुढ़े हो गए, काला खिजाब लगाओ, हजरत उमर लगाए, हजरत साद बिन अभी वक्कास लगाए, फलां लगाए, आ इन्हें खुश होगा, आहा क्या दिया ना रे, ये हतली में जन्नत, बिल्कुल मैं क्या हूँ, सूफी सादुल्ला भी रहूंगा, साथ में क्या है अपना ख्वाहिश भी पूरा कर लूंगा, काली दाढ़ी भी बना लूंगा, इस्लाम से भी नई गुरुगदान नई रूगरदानी, और हदीस की भी खिलाफ वर्जी नहीं, क्योंकि हमारा मिर्जा वाला हजरत उमर भी करते, हजरत साद बिन अबी वक्कास करते, फला इमाम करते थे, फला तिरमिजी बोले, फला बोले, इतने भी डंस दिया। अब मैं फौरन जाके क्या है खिसाब किसाब निकाल को, लाल कई को बतला, लोगों को दाढ़ी कौली बतला को, और एक शादी कर तुम, बोलो बुढ़े पूरे तैयार। अभी इनकी अपनी बात मिलती ना जी, ये बेवकूफ इसी तरह की दलाल लगा के खड़ा करता। अब हम खुश हैं, जो वो कहता वो दूसरों को वो खुद नहीं कहता। अगर इल्मी किताबी तो पढ़ाओ ना जी, किताब पढ़ो ना जाके, सियासत किसने पढ़ा है भाई आवाम में। ये और बात है कि उलमा को दौरा रहता बाकायदा तो पढ़ते हैं, वो भी मुकम्मल किताबें नहीं, वो भी दौरे में कुछ असबाक होते हैं वो पढ़ते हैं, कुछ बाब होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर हर लैंग्वेज में मौजूद है, बल्कि हमारे तो हर मसाजिद के अंदर मैं देखता हूं कि लाइब्रेरियों में है। हमारे नमाज पढ़ने वाले जितने मुसल्ली हैं, कुनो कोई एक दावा करे कि हमने सिहा को पढ़ लिया है, कम से कम छह किताबें हमारे पास। इल्म लेने का कोई तसव्वुर नहीं है, पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है, बेकार कामों में हजारों बातें करके गुजारी। इसी वास्ते हर मसले के लिए परेशान हैं हम, और फितना हमें उचक के ले जाता है। जैसे एक मुशरिक को अल्लाह ने कहा कि हम इसे फेंकते, फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफहु अत्तैर औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक, आसमान से हम उसे फेंकते हैं तो वह ऐसे गिरता है कि ऐसे गिरता है गोया कि उसे कोई उचक के ले गया है, कोई सहारा नहीं होता, वो कोई बहुत ही पुरानी जगह कदीम जगह जाके गिर जाए। ऐसे ही हमें हर फितना उचक लेता है, और हम बिल्कुल जिस तरह शेर के पंजे में कोई चिड़िया आ गई तो क्या हाल, वही हाल हर फितने का शिकार होकर निकल जाते हैं। इस वास्ते कि हमारे पास कोई पायदारी नहीं है। पायदारी क्यों नहीं है, इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म से ही असल में पायदारी आती है। ना तारीख का मुताला, ना हिंदुस्तानी तारीख का मुताला, मुसलमानों के खुलफा का मुताला, ना कुरान का मुताला, ना हदीस का मुताला, ना किसी और फन का मुताला, तो हम कैसे सुधरेंगे, हमारी हालत कैसे सुधरेगी। तो मेरे भाइयों, ये इब्तिदा मैं यहां से कर रहा हूं, अगर आपको बैठना है तो बैठो, मुझे आके शेख बोल दिए, आप उनकी तरफ मत देखिए, वो कोई रहम करने वाले नहीं है। अब मुझे बोले कि शेख आपके पास टाइम है, जब खत्म करें कब नमाज पढ़ें। अब मेरे पास क्या है, खुला है वक्त। हाँ, अभी क्या भाई, साढ़े आठ है, अभी साढ़े दस तक तो चलेगा अगर बैठेंगे तो आप लोग। नहीं नहीं मौल साहब जाते हैं, वो आपकी मर्जी, हमें कोई मसला नहीं है।
लेकिन मुझे इंतज़ामिया की तरफ से खुली छूट है। हाँ, अब शेख लियाकत साहब भी इधर उधर होना है, कब आके भूल को बोल दला इसे ही ने क्या कि खींचता जाता ना, कैसा करना है इसे, मुंह बंद करना हो तो, वरना तो क्या मुझे टाइम दिए हैं माशाल्लाह। तो देखेंगे कहां तक आप उसको लेने की कोशिश करते, क्योंकि ये पूरा एक तारीखी खाका है, लेकिन ये एक तारीखी किस्सा नहीं है, इसके अंदर बहुत नसीहतें, बहुत नसीहतें। और आज के माहौल, खासकर जो फिलिस्तीन का मामला हो रहा है, जो गजा पर बमबारी हो रही है, इसका अक्स आपको तारीख में देखना है तो वह सलाहुद्दीन अयूबी है। और नतीजा आज अगर आप निकालना चाहें तो भी वही नतीजा है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दिया था। क्या नतीजा निकलेगा, क्या निकलेगा? वही जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों पे अल्लाह ने दिया था। वो क्या दिया था? फतह दी थी, फतह। तो कामिल फतह हमारी मुंतजिर है, लेकिन हम उसके अहल होना है। उसके अहल होंगे तो फिर वो मिलेगा। अब आइए थोड़ी सी तारीख पहले एक मजमूई तौर पर जान लें, ये फलस्तीन है क्या चीज। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सबसे पहले हुक्म इलाही पर कोई बसने वाला घर बनाया नहीं गया, ना अल्लाह ने किसी को इसके वास्ते भेजा। हां, अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया गया जो काबतुल्लाह है, और इसके बनाने वाले सबसे पहले म्यांमार हैं हजरत आदम, और इसकी आइडियोलॉजी देने वाले, यानी उसकी यूं समझ लिए कि आप आर्किटेक्ट और आप उसके निशाना बनाने वाले, उसका खाका बना के देने वाले अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्राइल है। तो गोया मालूम हुआ घरों की इब्तिदा कब हुई, क्या हुई, ये मालूम नहीं है। ये इंसान ने खुद अपनी मेहनत से किया, छत कैसे हो क्या हो उसने अपने तरफ से तैयारियां की यहां आके, लेकिन रब के हुक्म से जो सबसे पहला घर बना वो तो काबतुल्ला इबादत के लिए बना, और इंसान बना वो भी इबादत के लिए बना। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया मगर सिर्फ इबादत के लिए। तो असल काज और काम तो यही है कि तुम मस्जिदों को आबाद करो और मस्जिदों में इबादत करो और मस्जिदें बनाओ। तो हम बदबख्तों ने ना मसाजिद बनाई, ना आकर उसमें इबादतें की, दरगाहें बनाई और उसी में सजदा करते हुए रहे, तो अल्लाह ने हमें धुतकार दिया। आज दरगाहों के बनिस्बत देखिए मस्जिदें आबाद हैं या दरगाहें आबाद हैं। हाँ, मैं अभी पहले जुमा में भी कह रहा था, इस दौरान 2000 से 2023 तक भी आप उठा लें, कोई एक दरगाह तौहीद पर काम करके हमने मिटाई है, पूरी तारीख नहीं मिल सकती। बल्कि क्या है, 23 साल नहीं कहता हूं, पिछले 200 साल 18वीं सदी और 19वीं सदी पूरे मिला लो, और तुम बताओ कि फला जगह हमने मेहनत की, तौहीद की, और एक दरगाह थी जिसको हमने मिटाया और वहां पर से इस शिर्क के अड्डे को खत्म किया, आपको कोई तारीख नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मस्जिदों को गिराया गया तो आपको तकरीबन 50 से ज्यादा मिलेंगी, और उसमें एक गिराने वाले आरएसएस वाले हैं, बखिया गिराने वाले खुद मुसलमान हैं। ये ब्यूटी है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला। हाँ, मसलकी तफरीके जो हैं, फिरकेबाजियां जो हैं, इसके वास्ते मसाजिद गिराने वाले खुद हम हैं, और मेरी अपनी नॉलेज में 25 मसाजिद ऐसे हैं जिनको मैं गिना के बोल सकता हूं कि वहां पर मस्जिदें बनने के बाद तोड़ी गई, खुद मुसलमानों ने जाके कंप्लेन दे दे के तोड़ा या तोड़वाया या खुद से पत्थर फेंक के तोड़ा। पलमनीर में यही हुआ, और इसी तरह आंध्रा के कई इलाकों पर अभी मसाजिद तोड़ी गई है। यह है हमारे अंदर का कट्टर शिर्क कि दरगाहें आबाद, मसाजिद तोड़ी जा रही हैं, और कौन, हम मुसलमानों की तरफ से। और वही मुसलमान फलस्तीन के लिए दुआएं भी कर रहे हैं रो रो के। एक ऐसा मजाक है कि एक तरफ तो तुम अल्लाह की मस्जिदों को तोड़ो और दूसरी तरफ कहो कि अल्लाह बैतुल मक़दिस को बचा ले। मजाक थोड़ी कर रहे हो अल्लाह से।
یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ چال بازیاں پوری مالو، ایک توحید پہ آؤ پھر دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزاد کروا کے دیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا جی، پانچ نام بہت پیچھے چلے گئے بھیا پہ، جب چائے دیے نہیں اس ٹائم پہ میں بولا ہوں، اتنے پیچھے رہے تو پہلے سے بہت پیچھے ہی ہمیں۔ تو کیا بتا رہا تھا میں جی، ہاں تاریخ، تاریخ بیت المقدس کے اعتبار سے جو حدیث صحیح تر ہم کو معلوم ہوتی ہے ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق، اس کعبۃ اللہ کے بنانے کے بعد کیسے فلسطین میں بیت المقدس بنائی گئی، اس حیثیت سے صحیح تر روایت جو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو بنائی گئی وہ کون سی، تو فرمایا کہ بیت اللہ، فرمایا کہ دوسری، تو فرمایا کہ بیت المقدس، اے اللہ کے رسول دونوں کا فاصلہ، فرمایا کہ 40 سال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ ایم ایس ایل ای چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے، اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفصیلی خطابات کے لیے آپ ایم ایس ایل ای چینل کی طرف رجوع کریں، آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ حدیث معلوم کراتی ہے ہمیں کہ دونوں کا فاصلہ بننے میں 40 سال رہا، اور اگر ہم پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ بنا اس سے ہم میچ کرتے ہیں تو جہاں تک ہمیں ملتا ہے وہ کوئی ثبوت یہ 40 سال کا نہیں ملتا، ہو سکتا ہو کہ اس وقت بھی موجود ہو، لیکن 40 سال کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب ہم کعبے کی اثر نو تعمیر سے اندازہ کریں گے کہ جب کہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یاد کرو وہ موقع جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ اصلی پہلے والا نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے بعد زمانہ در زمانہ جو کھلے میدان میں تھا وہ ایک ٹیلا تھا نا جی، ریگستان تھا، تو زمانے کے ادوار اس کو کیا کرتے رہے، ڈیمیج کرتے رہے، اور ایک وہ زمانہ بھی آ گیا جہاں پر تمام کعبہ ایسے ہو گیا کہ ایک نشان باقی رہ گیا، جسے اللہ نے پھر عصر نو ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ کعبے کی تعمیر کرو، تو تب وہ اسماعیل کے ساتھ مل کے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو وہ ذکر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کیا ہے کہ یہاں جب بنائے حضرت ابراہیم عصر نو کعبہ، اس سے 40 سال بعد فلسطین میں بیت المقدس بنا۔ کیوں یہ سٹ ہوتی ہے بات تاریخ سے کہ حضرت یعقوب بیت المقدس بنانے والے ہیں، مسجد اقصی وہ بنائے، اور ادھر حضرت ابراہیم عصر نو کعبہ بنائے، تو حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے ریلیشن میں یہ پوتے ہیں وہ دادا ہیں، پوتے اور دادا کا ڈفرینٹ 40 سال ہو سکتا ہے، بالکل عقل مانتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بنائے تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کے بنائے حضرت اسماعیل کے، لیکن اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا بھی دیا تو جو بہت مشہور ہوا وہ اسحاق ہیں، جو کہ حضرت سارہ سے ہوا، تو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور یہ دونوں کی خوشخبری خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں دے دی۔ ہاں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔
अब ये वाकया अल्लाह तबारक व तआला शुरू कर रहा है कौम लूत की तरफ अजाब भेजने का। अब वहीं पर इशारा हो गया कि अच्छा मेरे पास क्यों आए हो। हजरत इब्राहिम तो डर गए पहले, फिर बाद में कहा कि हम लूत की तरफ उनकी कौम की तरफ भेजे गए हैं अजाब के लिए। तो सवाल यह हुआ कि फिर मेरे पास क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि असल में तुम्हारे लिए एक बच्चे की बशारत देने आए। وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ। जो साथ में सारा खड़ी हुई थी वो हंस पड़ी। ये अल्लाह की वो बंदी थी जिसे फरिश्ते दिखाई देते थे। हाँ, बहुत मुअज्जज खातून थी। इसीलिए कहते हैं कि हजरत सारा सामने थी और वो फरिश्तों को भी देख रही थी। जब उन्होंने कहा कि हम बशारत देने के लिए आए हैं, वमरअतुहु काइमा, अल्लाह कहता है उनकी औरत जो खड़ी हुई थी हजरत इब्राहिम की, हजरत सारा, फज़हिकत, हंस पड़ी, ये उम्र में मुझे बच्चा होगा। फज़हिकत फबशरनाहा बिइसहाक, हमें इसहाक की बशारत देने आए हैं आप। तो कहा गया कि नहीं, खाली इसहाक की नहीं, उमिन वराई इसहाक याकूब, वो इसहाक का एक बेटा होगा पीछे जो आएगा जिसका नाम याकूब होगा। तो खुशखबरियां बेटे और पोते की एक साथ मिली। और याकूब का माना भी क्या है? ताकुब करने वाला, पीछे आने वाला। इस वास्ते के इसहाक के पीछे याकूब आए तो उनका नाम याकूब पड़ गया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाया मस्जिद अक्सा, और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने असरैन का बतला। इससे मालूम हो गया कि जो 40 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बिल्कुल सही है कि पोता और दादा के दरमियान 40 साल हो सकते हैं। हजरत याकूब ने जब यहां पर बनाया, ये दरअसल उस जमाने से इन लोगों का किबला रहा और इसको परवान चढ़ाया। यूं समझियो कि उरूज का जो सबसे अहम तरीन जमाना निकला है वह हजरत सुलेमान और दाऊद का जमाना है। जैसे हमारी तारीख में याद रखिए हारून रशीद का जो जमाना अब्बासियों में गुजरा है, बेआईनी अगर आप बनू इसराइल की तारीख में आप देखेंगे कि शबी उसकी, तो याद रखो हजरत दाऊद और सुलेमान का जमाना है। क्योंकि हारून रशीद के जमाने में रहमहुल्ला ऐसे बादशाह थे वो कि एक बदली जा रही थी, एक बदली यानी बारिश बरसाने वाली, एक अबर का टुकड़ा, एक बदली जा रही, तो वो खड़े होकर कहा कि बदली जहां चाहो बारिश गिराओ, जहां भी गिरेगा वो मेरी ही सल्तनत में होगा। उतनी बड़ी सल्तनत थी जो अल्लाह ने अब्बासियों को उस वक्त दी थी, और उनके टॉपेस्ट खलीफा खुलफा में से एक हारून रशीद है। फिर उसके बाद जवाल होना शुरू हो गई, क्योंकि उनके बेटों ही में लड़ाइयां शुरू हो गई अमीन मामून में, वो एक लंबी तारीख है। लेकिन उनकी जो सल्तनत थी ना, वो बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बदली को देख के तू जहां चाह गिरा, वो मेरी ही सल्तनत में गिरेगा, या तो वहां गिरेगा जहां डायरेक्ट मेरी सल्तनत है, या तो वहां गिरेगा जहां पर जिजिया देने वाले लोग होंगे। वो मेरी सल्तनत तो नहीं होगी, लेकिन उसका खिराज और जिजिया मुझे ही आएगा। ऐसा ही आप बनी इसराइल का टॉपेस्ट लेवल का जमाना देखें तो वह हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। खास तौर पर हजरत दाऊद को अल्लाह ने खास फन दिया जंग के लिहाज से, वो था वह अलन्ना लहुल हदीद। या अल्लाह, हम मोम को हाथ से कोई चीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मोम भी जब पिघला हुआ हो तभी, वो घट बन जाए तो उसको भी हम नहीं बना। लेकिन अल्लाह ने यह फन हजरत दाऊद को ऐसे दिया कि मोम की तरह लोहा उनके हाथ में दे दिया। वह अलन्ना लहुल हदीद, हाँ, खास तौर पर जो जंगी जिरहें थी उसमें वो खास फन रखते थे, अल्लाह ने वो फन ऐसे दिया लोहा उनके हाथों में नरम हो जाता था। अनिअमल साबिगातिव वकद्दिर फिस्सरति वअमलु सालिहा, ये अल्लाह ताला ने क्या किया था उनके लिए, ये मोम की तरह लोहा उनके हाथ में दे दिया था। लेकिन इसके बाद उनके बेटे सुलेमान आए तो अल्लाह ने इत्माम कर दिया अपनी नेमतों का, यूं के वसखरना लहु तैर, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मुसखर कर दिया तुयूर को, परिंदे को, वसखरना लहु रीह, और उसी तरह हवाओं को मुसखर कर दिया, जिन्नात को मुसखर कर दिया, और इंसान तो थे ही थे। ऐसी सल्तनत दी के मलिक सबा के बारे में जब हुदहुद ने बताया, आपको मालूम है कि अल्लाह ताला उसका जिक्र सूरह नमल में रखा है कि जब उन्होंने देखा और
हजरत सुलेमान ने कहा कि वो तख्त बड़ा अच्छा है, जो कौन है जो मुझे उस आने से पहले ला के रखेगा, तो उतुल इल्म इंदहुम इल्म मिनल किताब, एक किताब वाला था जिसने कहा कि अना आती कभी ही कबला अन यर्तद इलैका तरफुक, तुम्हें आंख पलक झपकने के अंदर मैं यहां ला के रख दूंगा, और जैसे ही कहा सामने था, फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु काला हाजा मिन फज़्ल रब्बी, कि जैसे ही आंख झपकने के वक्त के अंदर वो साहिब इल्म ने वो चीज वहां से ला के मलीके की जो सबसे बेहतरीन तख्ता बिल्किस का, वो बिल्किस का सख्त ला के सामने रख दिया। ये थे उनके रियाया में ऐसे बड़े लोग, जिन्नात से वो खास तौर पर दरियाओं के अंदर गोता लगा के मोती और हीरे जवाहरात निकालने के लिए मामूर करते थे। हाँ, वगवास जिसे अल्लाह कहता है सूरह सात के अंदर, व आखरीन मुकर्ररीन फिल असफाद हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, और इन जिन्नात को मुसक्कर करके अल्लाह ने क्या दिया था हजरत सुलेमान को, यह भी नहीं कि मैं इनको तुम्हें पूछूंगा कि कैसे तुमने अदल किया, नहीं, अल्लाह ने कहा कि हाजा अताउना फमनुन, ये मेरी अता है तुम पर, हाँ क्या करो, तुम जैसे चाहे इनके साथ सलूक करो, फमनुन औ अमसिक, एहसान करो या जैसे चाहे करो, बगैर हिसाब, तुम पर हिसाब नहीं लिया जाएगा, हाँ तुम्हें नहीं पूछा जाएगा, क्यों उस दिन जगह है जिन्नात को रख के मारे नहीं पूछा जाएगा, अल्लाह ने तुम पे एहसान किया है, इसीलिए वो हर काम के लिए लगाते थे। तो इस दौर के अंदर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सबसे बड़ी तवज्जो बैतुल मक़दिस पर उन्होंने ही दी, वो हब्बा जो क्या है कब्बतुस सखरा, और उसी तरह बैतुल मक़दिस का जो डूम और हैकले सुलेमानी जिसे कहते हैं, यानी बैठने की जगह हजरत सुलेमान की, वो सब उन्हीं के दौर में हुई। जो आज का डूम चमकता हुआ सामने है वो नहीं पीतल का, जिसके अंदर ज्यादा रोशनी है, चमक है, ये दरअसल बात की बनावट है, बहुत बात की। असल तो फीचे है जो डूम, जिसे आमतौर पर दिखाया नहीं जाता, वो डूम और वहां पर हैकले सुलेमानी का जो वजूद है, हैकल का मतलब या तो बैठने की जगह, या तो हजरत सुलेमान का घर, या तो उनका कमरे खास जिसे हैकल कहते हैं, जो उन्होंने वहां पर दिया और जो बनाया ना जी, वो तरक्की उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला उनके मौत के जिक्र में कहता है कि फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मादल लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द तकुलु मिन सअतह फलम्मा खर्रत बयनतिल जिन्न अल्लौ कानू यअलमूनल ग़ैब मा लबिथु फिल अज़ाबिल मुहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जब मौत का वक्त लाया तो वह बैतुल मक़दिस की तामीर में जिन्नों को लगाए हुए थे, और वह खड़े हुए असा से एक लकड़ी से टेक लगाए थे, कि अल्लाह ने कहा कि मौत का वक्त आ गया चलो। अब उनका मसला यह था कि अल्लाह मैंने तेरी मस्जिद बनानी है, अगर मौत हो गई तो ये लोग बनाएंगे कैसे, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा काम वो नहीं, मेरा काम है, मेरी मस्जिद बन रही है ना जी, मैं देखूंगा। मौत तो उसी वक्त आई लेकिन वो गिरे नहीं, वो लकड़ी के सहारे जो खड़े हुए थे ना जी, वो ऐसे ही खड़े रहे, और जिन्ना समझते रहे कि हजरत सुलेमान हमें देख रहे हैं, और वो बना रहे थे बना। जब तकमील हो गई मस्जिद अक्सा की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो लकड़ी के नीचे से क्या है दीमक को दे दिया था, और दीमक वो खाती रही खाती रही खाती रही, जब ये काम मुकम्मल हुआ, दीमक भी लकड़ी का काम मुकम्मल की, और लकड़ी ढीली हुई और धड़ाम से हजरत सुलेमान गिरे, फलम्मा खर्रा तबयनतिल जिन अल्लौ कानू यअलमून अलगैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तब जिन्नों ने कहा कि हाय हमें गैब का इल्म होता तो फिर हम इस जिल्लत जजा काम में, इस मजदूरी के काम में हम पड़े ना होते। तो मालूम हुआ जिन्नात को भी गैब नहीं मालूम, यहाँ का मशायख चुपके धोखा देता, और इसका मुवक्कल है कहते, इसका ने जिन्न है कहते, उसे बुला को पूछता कहते इन्हें क्या कर को बोल को, उसके बाद बोलता कहते इन्हें यहाँ का सितारा यहाँ है, वहाँ से उठा को यहाँ डालना, फिर क्या करना, 10,000 मुझे देना, एक काली मुर्गी ले को आना, जिनको खिलाने काली मुर्गी, अपने जेब को 10,000, क्या करना, यहाँ का सितारा वहाँ डालना कहते, इस तू तेरा सितारा उठा को डाल लेना रे, कहीं भीख मांगता है, हाँ दूसरा क्या सितारा उठा को डालता, सो खुद ही देख लेना अपना सितारा कहाँ है, कहाँ से उठाओ कहाँ डालना, देख ले करोड़ों का कमा ले, नहीं तो क्या है वो हमारा अपना आई है अमेरिका का नासा, उसके नहीं जाकर बोल तुम्हें क्या आज चांदा बुझा ले को, चंद्रिया 1 चंद्रिया 2 चंद्रिया 3, अरे मैं तुम ना सितारा दे डाल तुझे मगा को, मुझे है सो दे डालो, इतने काई को डॉलर खर्चा कर दी, मुल्ले को डाल ले जेब में, बेकार की बात, लोग भी मानते इसे, कैसे बेवकूफ़ है देखो, हाँ
उन्हें चांद में जाने के लिए करोड़ों मिलियन डॉलर खर्चा करके रिसर्च कर रहे हैं। चंद्रिया वन, चंद्रिया टू, चंद्रिया थ्री जो गया ना जी, इसकी मिलियंस में लागत है बनाने और जाने की। इन्हें यहां से बैठ को सितारा यहां से उठा को वहां डालता कहते, वहां से फिर यहां भगाता कहते, और उसे क्या होना कहते, खाली 10,000 रुपये होना। अरे बेवकूफ, तुझे 10,000 रुपये नहीं 10 करोड़ मिलियन डॉलर देते हैं तुझे, आगो जरा एक सितारा नीचे लागो बता। ये ढकोसले हमें भी सुनते मानते और इसके तहत लड़ाइयां मोल लेते। हाँ उन्होंने बोले जी नेच करा बोल को अच्छी बिच्छी और तूने भाभी आए सो जब से राबती है भाभी कच कमाल। ये कहते बेचारी उन्हें क्या करी भाई, उसे सितारा हटाने की ताकत रहती तो तुमको कब कभी हटा डालती उन्हें, तुम्हें नहीं रहते पहले इतना अजियत दिए तो शवर को उन्हें कब मरता देखती, उसे मारने की ताकत नहीं बोल को दुआ करती उन्हें अल्लाह इसे मार डाल बोल को। उन्हें करता सो कामा को इसे कुवत मिलती, गला दबा डालती वहाँ, उसे भी कुवत नहीं इसे भी कुवत नहीं, बेवकूफ लोग समझते नहीं हालात। हाँ तो तब जिन्नों को मालूम हुआ गैब नहीं है, सब लोगों को ही मालूम हुआ गैब नहीं, तो अच्छा इस तरह ये मुकम्मल हुआ। शान और शौकत तो बैतुल मकदिस की मस्जिद अक्सा की उस वक्त आई। अब इसके बाद चलो आप देखते जाएं जितने अंबियाए कराम आए ना जी बनी इसराइल में, वो सब के सब असल में इसी किबले के तहत थे, यही मरकज रहा जिसका आखिरी एंडिंग पॉइंट हजरत ईसा है। हजरत ईसा बनी इसराइल के आखिरी और हजरत यूसुफ बनी इसराइल के पहले नबी हैं। आप पूछेंगे ये कैसा, इब्राहिम होना चाहिए ना, ना इब्राहिम नहीं है बनी इसराइल में, इब्राहिम की नस्ल में आई बनी इसराइल। क्यों, असल में हजरत इब्राहिम के बेटे इसहाक जिनके बारे में सुना, उनके बेटे याकूब जिनके बारे में आप सुने अभी, इन्हीं याकूब का लकब है इसराइल। असल में अल्लाह ने एक नाम और दिया उनको लकब के तौर पे, असल नाम तो याकूब था लेकिन इसराइल इनका लकब है। इसराइल का असल मतलब है ईल, अल्लाह को कहते हैं इब्रानी जुबान में, जिब्राइल, मीकाईल, इसराइल, इसराफील जितने ही ना, ये सब के सब माना अब्दुल्लाह का है। ईल अल्लाह को कहते हैं इब्रानी में। और ये दरअसल क्या है, यहां पर जितने भी आए ईल वाले वो पूरे अरबी का नाम अब्दुल्लाह का माना है, यानी अल्लाह के बंदे। अल्लाह का बंदे का नाम क्यों मिला हजरत याकूब को, इस वास्ते के बड़े इबादत गुजार थे, बड़े शुक्र गुजार थे। अल्लाह ने चहीते बेटे को छीन लिया और 40 साल तक मालूम भी नहीं था कि हजरत यूसुफ कहां हैं, लेकिन वो रोते रहे लेकिन शिकायत नहीं लाए। आप सूरह यूसुफ पढ़ जाइए, वाकियतन आप जरा जोग भी रखते हैं कुरानी वाकियात से तो रोंटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकल आएंगे जब हजरत याकूब ये कहते हैं कि काला इन्नमा अश्को बस्ती व हजनी इलल्लाही व अअलमु मिनल्लाही मा ला तअलमु। या रब, क्या सबर वाले थे, बेटे कर रहे हैं, मालूम भी हो रहा है एक तरह से कि मेरे ही बेटे ले जाके कहीं क्या किए हैं, शरारत किए हैं मेरे बेटे यूसुफ के साथ, लेकिन कहते हैं कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं नहीं शिकायत करता तुमसे, मेरे लिए शिकायतें मेरे अल्लाह से हैं, तुमसे कुछ नहीं है, मुझे लेना देना, मेरा रब मुझे काफी है। तो ये इबादतें थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इनका लकब रखा इसराइल, और ये लकब के साथ भी पुकारा गया है कुरान के अंदर। आप सूरा से ज्यादा निसा तो लंबा है, आपको याद रखना है तो जुस से याद रख लीजिए, लंतनालु 4वें पारे की 2री आयत में इसका जिक्र है। लंतनालु बिर्र हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकु मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम कुल्लु ताम काना हिल्लन लिबनी इसराइल। इसराइल या याकूब मुराद है, याद रखिए। हाँ इल्लामा हर्रम इसराइल अला नफ्सी, यहां भी इसराइल याकूब मुराद है, याद रख लीजिए। अल्लाह ने तुम पर हराम नहीं किया था ऊंट का दूध, हां इसराइल ने अपने ऊपर कर लिया था। इल्लामा हर्रम इसराइल अला नफ्सी मिन कबली अंतुनजलत तौरा, जबकि अभी तौरात तुम्हारे लिए नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त का जमाना था। यानी ये इसराइल हजरत याकूब ने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में ये कसम खा ली थी कि मैं ऊंट का दूध नहीं पीऊंगा। जब अल्लाह के रसूल पीते थे तो यहूदी सवाल उठाए कि हमारे यहाँ तो ऊंट का दूध हराम है और आप पीते हैं,
तो अल्लाह ने कहा कि बदबخت तो तुम पर अल्लाह ने हराम नहीं किया तौरात में, ये हज़रत याकूब ने खुद ही तौर पर उनके तखवे के तौर पर हराम कर लिया था, वरना पूरे बनी इसराइल को यह हराम नहीं था। यह वाकिया आपको इसी आयत के तहत मिलेगा और यहाँ पर इसराइल से मुराद हज़रत याकूब है। हजरत याकूब के बेटों में असल में बनी इसराइल चली। बनी इसराइल कौन है? हजरत याकूब के बेटे हैं पूरे। बनी का मतलब क्या है? बनू से निकला है। बनी जब कसरा लगता है तो बनी हो जाता है। तो ये दरअसल क्या है? बेटे। अब बेटे में सबसे पहला बेटा याकूब का जो नामवर हुए और नबी बने वो हजरत यूसुफ है। तो बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हजरत यूसुफ है और बनी इसराइल का सबसे एंडिंग पॉइंट आखिरी नबी हजरत ईसा है। ये अल्लाह ने हजरत ईसा को जिनमें भेजा वो बनी इसराइल ही थे। हाँ, व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिम मिन रब्बिकुम। हजरत ईसा का साफ डिक्लेरेशन था, सूरह आले इमरान आप पढ़ जाइए, व रसूलन इला बनी इसराइल, मैं रसूल बन के आया हूँ इसराइल की तरफ, बनू इसराइल की तरफ, मैं सबके लिए नहीं आया हूँ। ये अल्लाह के रसूल की खासियत है कि वमा अरसलना का इल्ला काफ्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो रसूल बन के आए थे बनी इसराइल की तरफ। अच्छा, तो अब ये आखिरी जो नबी इधर बनी इसराइल में आए, उस वक्त तक जितने अंबिया दौरान थे ये पूरे बैतुल मक़दिस के अतराफ आए, या तो इनका गुजर हुआ या तो इनका मदफन रहा या तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ के मौजूदात उन्हें दिए। इस हैसियत से बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा अतराफ की ज़मीन यानी शाम तक बहुत बाबरकत हो गई, जिसका जिक्र कुरान में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह कर रहा है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला। पाक है वो ज़ात जो रातें रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, जिसके अतराफ हमने बरकतें नाजिल कर रखी हैं। ये बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा और शाम का पूरा इलाका इसकी सबसे बड़ी दलील है कि बड़ी हुरमत वाला और बड़ी बाबरकत ज़मीन है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों अंबिया का गुजर हुआ, सैकड़ों अंबिया की पैदाइश हुई, सैकड़ों अंबिया का मदफन रहा और सैकड़ों मौजूदात वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। इसलिए फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौला, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें नाजिल कर रखी हैं। हाँ, लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह के रसूल के इस वास्ते हम ले गए कि हम अपनी आयतें दिखाना चाहते थे। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो बड़ा ही सुनने वाला और देखने वाला है। तो ये चीज दरअसल क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये मामला बढ़ता रहा। यूं समझो कि काबतुल्लाह की हुरमत एक तरफ तो भी, बैतुल मक़दिस की हुरमत भी एक तरफ बड़ी मुसल्लम थी और वहाँ भी अल्लाह ने बरकतों का नुज़ूल रखा। यहाँ पर असल में मामला अंबिया के सपोर्ट से नहीं था हरम का, लेकिन इधर मामला बैतुल मक़दिस को अंबिया के सपोर्ट से था। इधर सिर्फ अल्लाह ने नस्ल इस्माईली को बरकरार रखा और हज़रत इस्माईल के बेटे काबतुल्लाह की हिफाजत करते रहे, मुतवल्ली बनते रहे। और वो भी एक ज़माना ऐसा आया जो अम्र बिन लुहई का ज़माना था, जिस बदबख्त ने बाहर से ले आके बुतों को ले आके रख दिया और ऐन काबतुल्लाह के अंदर बुत परस्ती शुरू हो गई। हाँ, अब उसके बाद का ज़माना इसी बुत परस्ती में चलता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आ गए। लेकिन ये हरम जो था ये मुसलसल अंबिया के कंट्रोल में और माशा अल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत और उसके रहमतों के नुज़ूल से चलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत ईसा आ गए। बैतुल लहम जहाँ पैदा हुए और हज़रत इब्राहिम पैदा हुए, और इसी तरह क्या हैं दूसरे जो अहम तरीन अम्बिया, अलखलील एक शहर वहाँ मौजूद है जो हज़रत इब्राहिम के नाम से, अलखलील बैतुल मक़दिस के बिल्कुल करीब का शहर है, और इसी तरह बैतुल लहम जो है ना वो दरअसल वो भी दरअसल बिल्कुल करीब में मौजूद है जहाँ हज़रत ईसा पैदा हुए। तो ये तमाम चीज़ें मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस के बिल्कुल करीब वाक़े हुए हैं, और जहां सूली दी गई बाद में वो भी उसी करिया का अंदर है, वही मामला है, वहीं पर है मामला वो भी। और अल्लाह ने जहां कहता है कि वमा सलबू वमा कतलूह वमा सलबूह वलाकिन शुब्बी अलहुम, वो ना कतल हुए ना मसलूब हुए बल्कि शुबे में बर्रफाहु अल्लाह इलैह, अल्लाह ने उनको उठा लिया, ये भी वाकया वही हुआ। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऊपर उठा लिया और इधर
ईसाइयों का कंट्रोल उस जमाने में आया जब टाइटस ने 70 ईस्वी में इनकी ईंट से ईंट बजा दी। अब जरा अच्छी तरह गौर करो, हजरत ईसा आए तो सन ईस्वी शुरू हुआ, हजरत ईसा रफ़े समावी पे गए यानी आसमान की तरफ उठा लिए गए तो ईस्वी एतबार से 30वें साल था, 30वें साल अल्लाह ने हजरत ईसा को उठा लिया ईस्वी एत। अब 2023 है ना जी, इस एतबार से 33 साल का अरसा गुजरा था ईस्वी पर अल्लाह ने उनको उठा लिया, हो गया। यहां तक जब तक ये थे कौन, हजरत ईसा, उस वक्त तक यहूदी कंट्रोल में रहा है, कब से, जब से बनी इसराइल वजूद में आए उस हैसियत से, क्योंकि यहां आबाद हो गए ये लोग और हजरत याकूब की औलाद भी यहां आबाद थी। हां बीच में कुछ अरसा हजरत यूसुफ मिस्र जाने से अपने बाप को बुला लिया तो वहां पर भी जिंदगी गुजारी, लेकिन उमूमी कंट्रोल बैतुल मकदिस का यहूदियों ही के पास रहा। लेकिन इनके गुनाहों और शिर्क और खुराफात और बिदात के पादाश में उस वक्त का सबसे काफिर तरीन मुशरिक तरीन बादशाह टाइटस, इसको अल्लाह ने मुसल्लत किया कब, हजरत ईसा के उठाए जाने के तकरीबन, क्योंकि 33 में उतारे और ये दरअसल क्या है 70 में मारा, यूं समझो कि 35-40 साल बाद अल्लाह ने इनको मुसल्लत किया। ये जो था ना जी, इन्हें ऐसा मारा, ऐसा मारा जिसका जिक्र कुरान में भी आया है कि फैजा जा वादुल आखिरत लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियतबिरु मा अलू तत्बीरा, चेहरों को उसने बिगाड़ दिया और मस्जिद को बर्बाद करके छोड़ा उसने, हैकल सुलेमानी भी ले गया और खास तौर पर जो अहम तरीन चीजें थे वो भी ले गया। अब यहां से यूं समझियो कि तारीख बदली, यहूदियों का कंट्रोल गिरा और यहूदी दुश्मनी पैदा हुई, ईसाइयत आगे बढ़ी और ईसाइयत आगे बढ़ती 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 एक ईसाई बादशाहत उस वक्त कायम हुई जब हजरत ईसा के वफ़े समावी के 100 साल बाद वो बंदा जो कि आज कुस्तुनतुनिया कहलाता है, ये नाम ही इस वास्ते पड़ा कि कुस्तुनतीन एक बादशाह गुजरा है जो सबसे पहले ईसाइयत को कबूल करके हुकूमत के एतबार से ईसाई हुकूमत बनी दुनिया के अंदर, हाँ उसी से है कुस्तुनतुनिया जिसे आज इस्तंबुल बोलते हैं। तो जब इनकी हुकूमत आई तो फिर इनकी बढ़ोतरी से, क्योंकि अब यहूदियत का जवाल था, ईसाइयत का उरूज था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के तकरीबन 500 साल पहले का वाकया बयान कर रहा हूं मैं, क्योंकि 570 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, अच्छी तरह गौर करो आप, 570 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, 70 में टाइटस ने इनको ऐसा मारा, ऐसा मारा कि बैतुल मकदिस को भी गिरा दिया, तो बराबर 500 साल का अरसा है जब अल्लाह ने यहूदियों को गिराया, ईसाइयों को उठाया, जबकि उस वक्त वो अच्छे मुसलमान थे, जब तौहीद पे थे तो अच्छे मुसलमान थे, हालांकि वही उस वक्त मुसलमान थे, बल्कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने तकवीयत दी और ये आगे बढ़े और इनको बादशाह, एक बादशाह खुद ईसाई बन गया तो बादशाहत भी मिल गई। फिर इसके जरिए से जब कंट्रोल बढ़ा तो बैतुल मकदिस ईसाइयों के कंट्रोल में आ गया, जब ईसाइयों के कंट्रोल में आया फिर तो यहूदियों के लाले पड़ गए, उन्होंने यूं नफरत का सलूक किया, यूं मारा जिसका आपको आखिरी हिटलर के जमाने तक मिलेगा, जो 1945 में मरा या खुदकुशी कर लिया या बम से उड़ा दिया, आज तक उसकी सही खबर कोई नहीं है, लेकिन वो हिटलर था जो आखिरी गुस्सा इन पर निकाला, 6 लाख यहूदियों को उसने एक ही वक्त में कत्ल किया। वो बैठ के सोचा, यहूदियों को इतनी बड़ी तादाद में मारने के लिए भी वक्त चाहिए ना, वो कैसा था देखो, अल्लाह ताला भी कैसे कैसे लोगों को पैदा किया, किन किन, इसीलिए अल्लाह कहता है वलौला दफअल्लाहु अन्नासा बअदहुम बिबअद लफसदतिल अर्ज, एक दूसरे को अल्लाह ताला ना दफा करता एक दूसरे से फिर तो जमीन में फसाद भर जाता। अल्लाह ताला जाबिरों को, अल्लाह ताला शद्दादों को, अल्लाह ताला क्या है जालिमों को ढील तो देता है लेकिन वक्त ज्यादा देता नहीं, हाँ अंजाम उनका खराब, अल्लाह ताला एक जालिम को दूसरे जालिम के बदले फना करता रहता। अल्लाह कहता अगर मैं ऐसा ना करता तो फिर तो जमीन में फसाद बरपा हो जाता,
तो जितने जुल्म वो हजरत ईसा पे करके सूली पे चढ़ाए ये बदबख्त, अल्लाह ने बाद में ईसाइयों को पावर दिया तो वो लोग इनको इतना मारे इतना मारे, बैतुल मक़दिस से तो बेदखल किया ही लेकिन इनको कहीं जीने नहीं दिया, हत्ता कि ये मारना इतना था 2000 साल पे मुहित था, 2000 साल पे, याद रखो 70 ईस्वी से लेकर 1945 हिटलर का मरना यहां तक हिस्सा लगाओ 1945 में इसराइल बना तो कितने साल हो गए जी? इंजीनियर साहब कहां सो रहे तुम्हें, जगो जरा। हाँ 70 निकालो 1945 से कितने साल बनते हैं? तकरीबन ये दो मारे मारे फिरे, कोई दुनिया में इनका पुरसाने हाल नहीं था, कहीं जम के बैठने नहीं दिया इनको। हाँ और कहीं इनको कोई सपोर्ट ना मिला दुनिया में, हत्ता कि ये आखिरी मार इसकी हिटलर से पड़ी जो इसने 6 लाख बंदे मारे एक ही वक्त में, अदरवाइज बहुत मारा फिर भी छोटे छोटे, लेकिन एक ही वक्त में जो मारा वो 6 लाख बंदों को मारा। और वो बैठ के सोचा कि इतने कैदी जमा हो गए, जब इनको मारना है तो 6 लाख को मारने के लिए भी तो वक्त लगेगा ना जी, कितने को खड़ा करके मारेगा, कितने को तलवार से मारेगा, कितने को बम से मारेगा, फिर भी तो क्या होगा, आजू बाजू के अतराफ तो डैमेज होंगे ना, क्या करेगा। वो बैठ के सोचा, बाद में कैसा मारा पता है, इनको सिर्फ 100 अफराद या 200 अफराद रहने के कमरे में डाल के लाखों इंसानों को दम किया पहले, ताकि उसकी बदबू से उसके आकर जो कुछ भी आकर उनके बदन से ही खारिज होने वाले मादों से खुद लोग मर जाएं पहले, और उसके अलावा जो बाकी बचे ना उनको एसिड डाल के मारा, क्योंकि वो जमाने में एसिड वगैरह तो थे ईजाद हो गए थे, राइफल बन गया था। हाँ एसिड से मारा, और वो जब मादा बना पूरा का पूरा, वो मादा ले जाके खेतों में पाइपों के जरिए डाला ताकि नस्ल अच्छी हो और फ्रेश उनको पौधे मिले, खेतीबाड़ी के लिए जिस्मों का यह मादा ले जाके क्या किया था उसके जरिए, उनकी खबरें भी नहीं बनी, ऐसा मारा उसने। इस हैसियत से यह आखिरी नहीं था, अभी एक मार बाकी है जिसमें इंशाअल्लाह हजरत महदी और हजरत ईसा होंगे, अल्लाह जिंदगी रखे तो हम शामिल हों, या नहीं तो अल्लाह ताला उन फितनों से पहले हमको उठा ले, यही तो दुआ है अल्लाह के रसूल ने जो हमको बताई है। हाँ एक आखिरी मार और बाकी है इनकी, जहां पर एक भी नहीं बचेगा, इसने तो छोड़ दिया था, इसने तो छोड़ा था, जानबूझ के छोड़ा था। बाज रिवायतें आप हिटलर की जरा हिस्ट्री पढ़े, कभी कभी आपको हंसी भी आ जाएगी, ऐसे अनोखे काम किया ना हो, उसने खुद छोड़ा था कुछ को, ये जिंदा रहे बाकी गुलामी के तौर पर, और वही उस दिन था जहां एक तरफ इनकी आखिरी इंतहा थी तो दूसरी इब्तिदा थी। ये मरा 48 में ये लोग खुद क्या है सल्तनत बना लिया इसराइल। हाँ वो पूरों को खत्म नहीं किया, इसी तरह पहले वाले भी जब मारे ना चंद मादूद चंद को छोड़ दिया, आखिरी में जो नहीं बचेंगे वो मारा का अभी बाकी है, जहां पर ये कोई एक भी नहीं बचेगा वो हजरत महदी और हजरत ईसा का है। अच्छा अब ये जो हुआ ना जी ईसाइयों के कंट्रोल में आया ना, ये हजरत उमर के दौरे खिलाफत के 16 हिजरी तक उनके पास था, 16 हिजरी तक, यानी यूं समझो कि इन्होंने भी तकरीबन वहां पर 500 साल रहे। हाँ 610 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत है, 632 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है, 632 से आप 10 साल मिला लें 633, अब 33 में से 70 निकाल लें तो कितने बचे, 500-600 तो घट बचते हैं जिसमें ये लोग वहां पर फलस्तीन में रहे, कौन, ईसाई, यहूदी उससे पहले रहे उसके बाद ईसाई रहे। अच्छा ईसाई जब यहां रहे उस वक्त ये दाखिल भी नहीं हो सकते थे, कौन, यहूदी, और ये लोग यहां पर बहुत इस्तेहकाम के साथ थे, लेकिन हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब हर जगह फतूहात का सैलाब उमड़ आया, ईरान में भी जंग शुरू हो गई, रोम में भी हो गई, और बहुत जल्द
حضرت عمر کے دور خلافت کا یوں سمجھیے کہ حضرت عمر نے 13 میں بیٹھا، ہاں تخت خلافت پر، 14 15 16 17 16 میں، 4 سال میں بیت المقدس فتح ہو. 16 میں جب ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، انہوں نے محاصرہ کیا فلسطین کا، بیت المقدس کا، جبکہ عیسائی وہاں پر تھے، اور کوششیں جاری ہوئی، لیکن بہت جلد سمجھ آ گیا کہ یہ لڑائی سے سر ہونے والا نہیں ہے، اور یہ لوگ بھی اچانک بڑی بہادری سے لڑنے لگے، اور عیسائی پادریوں کے ساتھ علل اعلان وہاں کے جو فصیل ہوا کرتے تھے، جو بڑے بڑے دیواروں پہ سنتری کھڑے ہوتے تھے نا، وہ قلعے کے، وہاں سے آ کے یہ چیخ و پکار کرتے تھے کہ تم ہزار جتن کر لو، ہم کو ہرا نہیں سکتے. ہاں ایک بات ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا، اگر وہ آ جائے تو ان کے ہاتھوں میں چابی دے دو، وہ اگر آ جائے تو ہم ان کو چابی دے دیں گے، لیکن اس لشکر میں اس جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کون تھا؟ عیسائیوں کا پادری اعلان کر رہا تھا، آپ کا لشکر میں وہ شخص تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ شخص آئے تو ان کے ہاتھوں میں چابی دے دیں، تو آپ کا جو خلیفہ ہے شاید وہ ہو، اگر وہ آ جائے تو ہم چابی دے دیں. حضرت ابو عبیدہ نے اس کو سیریس لیا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی بات اگر صحیح ہے تو ہم ایک مرتبہ بلا لے. تو انہوں نے لیٹر بھیجا کہ حضرت عمر سے کہ آپ ایک مرتبہ آ جائیں، شاید ہو سکتا ہے بغیر کوئی خون خرابہ ہوئے جنگ ہوئے بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تو حضرت علی وغیرہ سے مشورہ ہوا، تو پھر اس کے بعد تیاریاں ہوئی اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نکل پڑے، اور ایک سپاہی کے ساتھ، ایک غلام کے ساتھ، بلکہ کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی الگ ہٹو بچوں کا نعرہ نہیں، کوئی کیا آج کے منسٹر، آج کا کاؤنسلر بھی کیا کرتا چاہ جانا، وہ لے کو نکلتا. یہ تو کیا ہے، آدھی دنیا کے خلیفہ تھے، لیکن ایسے نکلے کہ ایک ہی سواری اور اس میں دو افراد، اور دو افراد کی باری باری. ہاں ایک سفر کا حصہ خود کی ہے تو ایک سفر کا حصہ ان کا نوکر کرے گا. اس وقت یہ باغ پکڑے چلتے رہیں گے، اوپر نوکر بیٹھا ہوا ہوگا، ان کی باری آئی تو یہ سواری کریں گے، ان کی باری آئی تو یہ ایک سواری کریں گے. کھانے پینے کے لیے ایک پلیٹ، ایک رکھابی، ایک لوٹا وضو کے لیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. آدھی دنیا کا خلیفہ، آسمان ششدر ہے، زمین پریشان ہے، لوگ حیران ہیں، چاند سورج عجیب نظارہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، ہر طرف سے بے خوف. بھائی جو نیک نام ہوتا ہے، جو نیکی والا، اسے کیا خوف ہے موت کا؟ ہاں یہ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، سیکورٹیز ہونے چاہیے جنہوں نے کیا ہے لوگوں کا خون چوس کے رکھا ہے نا جی، وہ لوگ چاہتے ہیں کہیں نکل گئے تو ہمیں مارے جائیں گے. جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے، جنہوں نے قوم کے لیے جیا ہو. حضرت عمر ایسے ہی نکلے، باری باری چلتے رہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے ملاقات یہیں پر پہنچے، اور عجیب اتفاق کے ملاقات کے وقت باری تھی نوکر کی، سواری پہ بیٹھا ہوا تو نوکر تھا، اور باگ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے امیر المومنین عمر ابن الخطاب نیچے. پادری بھاگتا آیا، کہا کہ یہی تصویر تو ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ شخص آئے گا تو وہ زمین پہ کھڑا ہوگا، اپنے نوکر کے گھوڑے کی باگ تھامے، تو لو چابی رکھو، یہی وہ چیز ہے جس کا انتظار ہم کر رہے تھے. لا کے چابیاں حوالے کرتا، بیت المقدس بغیر کسی خون کے، بغیر کسی جنگ کے اللہ نے عطا کر دیا، توحید کی برکت. یہ وہ لوگ تھے جو توحید پر تھے، کوئی درگاہ نہیں تھی. حالانکہ ابو بکر کی وفات ہو گئی تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، حالانکہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی وفات ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کی وفات ہو گئی تھی، 4th بیٹی کی بھی وفات ہو گئی تھی، نہ حضرت فاطمہ کا مزار تھا، نہ حضرت زینب کا مزار تھا، نہ حضرت محمد الرسول اللہ کا کوئی عرس تھا، نہ حضرت ابو بکر کا کوئی مزار تھا، کوئی مزار نہیں تھا. ان توحید پرستوں کے حوالے ان لوگوں نے چابیاں کی. آج بھی توحید پہ آؤ، تمہیں چابیاں ملیں گی بیت المقدس کی. تم کہتے ہو کہ اس وقت مزار نہیں تھا تو وہ لوگ ولی نہیں پیدا ہوئے؟ ابو بکر سے بڑھ کے ولی کوئی ہے؟
ولی ان کو نہ مانو گے تو پھر تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر مزار بنانا جائز ہوتا اور یہ توحید اور اسلام ہوتا تو صدیق اکبر کی مزار سب سے پہلے عمر بناتے، اور جانے سے پہلے عود بتی لے جا کے وہاں سلگا کی دعا کر کے بولتے، یا خلیفۃ المسلمین ہم جا رہے ہیں بیت المقدس کو، ذرا اللہ سے دعا کرواؤ چابیاں ہم کو مل جائیں۔ کرے کیا غلطی تھی جی؟ اگر آج بعد میں آنے والے 500 سال بعد سے 470 میں پیدا ہونے والے عبد القادر جیلانی بغداد میں جا کے تم دعائیں کر کے اپنے حالات بیان کر کے تم وسیلہ لے کے نکلتے ہو، اگر یہ اسلام ہے تو کیا غلطی تھی عمر کیوں نہ کرتے کہ ابو بکر کے پاس بھی جا کے دعا کر کے مزار بنا کے اور وہاں پر چادر چڑھا کے چاٹ کے اور ایک عود بتی سلگا کے نکلتے؟ بدبختوں سوچو تو صحیح۔ ابھی یہاں کا نقش بندی وہاں گیا ہوا ہے، 2-3 فوٹو سے یہاں میرے بھائیوں نے بھی بھیجا، جا کے وہاں سے کیا کرا، یا اللہ یا اللہ، ارے بے وقوف تو کہتا پورا کہ یا خادر پکارو، اب یا خادر کے پاس پہنچ کے کہتا یا اللہ، کیا مذاق ہے؟ وہاں جا کے بھی پکارنا انہیں کو؟ یہ دوغلے پن کی یہ چیزیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ عوام کیوں بہک جاتی ہے؟ فانا تو سحرون، کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو ان دھوکے بازوں کو؟ اللہ ہی دیکھنے والا ہے، اللہ کی توفیق نہیں تو پھر جاہلوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ بت کی پوجا کرنے والے کتنے عقل سے کورے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ شرمگاہ کی بھی پوجا کرتے ہیں، لنگم کہتے ہیں، لنگم۔ ہاں ایسے ہی بدبخت ہمارے اندر بھی نکلے گے ننگے بابا کا زیارت کر کے اسے دودھ ڈال، میں نے خود دیکھا وہ ویڈیو، کہیں پاکستان ہندوستان کے درمیان کے بارڈر میں یا وہاں کے بارڈر میں ہے، جس کے ننگے جسم پر کئی دنوں سے نہایا نہیں، سالوں سے نہیں نہایا، اس پر دودھ ڈال کے جو اس کی شرمگاہ سے اور پاؤں سے بہ کے جو پتھر پہ آتا، اسے اچھی خاصی پردہ نشین سر پر سے اوڑھ کے عورتیں چاٹ رہی ہیں تبرکن۔ ایسا کوئی گرتا؟ نہیں گرتا، مسلمان کبھی نہیں گرتا، ہاں مشرک گرتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے۔ شرک اپناؤ گے تو جاہل درندے اور اللہ کی بدترین مخلوق بنو گے۔ یہ توحید کی برکت تھی، حضرت عمر پہنچے بس وہیں پر چابیاں مل گئی، کیوں؟ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھوں میں دینا ہے، اور یہ چابیاں لے کے آگے گئے اور اندر بھی کیا ہے دیکھا، اور وہ باتیں خود پوچھ کے نکالی کہ جہاں تمہاری کتابوں میں ہے وہ فلاں فلاں مقام کہاں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو جاتے وقت براق کو جہاں باندھا وہ حلقہ کہاں ہے، وہ گنڈی کہاں ہے، اور جہاں سے اللہ کے رسول نے معراج کی، کیونکہ اسرا چلنے کو ہے، معراج وہاں سے آسمانی سفر کو کہتے ہیں، اسرا الگ ہے معراج الگ، معراج کی جو چڑھائی ہوئی وہ کہاں سے ہوئی، وہ نشانیاں کیا ہیں۔ پھر چلتے چلتے نماز کا وقت آ گیا تو اس پادری سے اللہ کے یہ رسول کے خلیفہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ یہیں پڑھ لیجئے، ہم آپ کو پوری اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، کوئی بات کا مسلمان یہ دعویٰ کرے گا کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی ہے تو یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، ایسی بے انصافی ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، مجھے الگ جگہ بتاؤ۔ پھر وہیں پر نماز پڑھی جو آج مسجد عمر کے نام سے بنی ہوئی ہے، باہر نکل کے۔ پھر اس کے بعد وہ پورا کنٹرول حضرت عمر کے دور میں ہی آ گیا، اور پھر اس میں شان و شوکت جو کرنے والے بادشاہ ہیں، آگے چل کر بنو امیہ کے عبد الملک بن مروان ہے جنہوں نے اس کو تقریباً پورے سنگ مرمر سے بنوا دیا۔ ہاں جو بنو امیہ کو بھوکتا ہے کتا یہ بیٹھ کے، علی مرزا یاد رکھو ان کی شان و شوکت کا کیا کہنا، جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اور مسلمانوں کے بڑے ترقی کے راز انہیں کے ہاتھوں میں ہے۔ مسجد نبوی کی سب سے بڑی توسیع جو ہوئی وہ عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں ہوئی۔ آج امیہ بنو امیہ پہ بھونکنے والا کتا بیٹھ کے شیعوں کے ساتھ مل کے کہتا ہے کہ بنو امیہ اسلام کو غارت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ دشمنی میں اتنا آیا کہ محمد بن قاسم کو بھی کہتا ہے کہ وہ جلاد تھا، جہاں کے ہندوستانی عوام ان کی پوجا کے لیے تیار تھے، ویسے انہوں نے انصاف کے ساتھ حکومت کی تھی ہندوستان میں آ کر۔ ہم نہ تاریخ معلوم ہے نہ ہمیں کچھ اور معلوم ہے۔
तो फिर ये शान शौकत तो बनू उमैया के दौर में चलती रही, और फिर इसके बाद इसकी आबादी बढ़ गई और यहां पर बेहतरीन तौर पर एक ऐसी फसील खड़ी की गई जो पूरे शहर को इसके इहाते में लेती थी। और इसकी तरफ से जो भी गवर्नर वहां आता, अब्बासियों की तरफ से अब्बासी रहे तक और बनू उमैया की तरफ से उमैया रहे तक इसी तरह यह चलता रहा, यहां तक कि हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जमाना आया। यह जमाना वो था जब बनू अब्बासिया की हुकूमत गिर रही थी, हर उरूज का एक जवाल है। हाँ, उरूज तो था, 132 हिजरी में बनू उमैया खत्म हुए एक एक करके और अब्बासियों ने उनकी जगह ले ली। हाँ, अस्सफाह इनका पहला खलीफा है जिसने बनू उमैया की ईंट से ईंट बजाई और ये लोग काबिज हुए और अब्बासियों की खिलाफत चलती रही। 132 से आप देखें 600 तक इनकी चलती रही, लेकिन 200 साल आखिरी के बड़े ही दिगरगों गुजरे, इनके हालात इनके बहुत नाजुक होते गए, बल्कि हत्ता के नाम का खलीफा लबर स्टैंप रह गया बस, जैसे आज मुरमुरे है, मुरमुरे, हाँ जैसा मुरमुरे रबर स्टैंप है मोदी की, वैसे ही मुरमुरे थे बस वहां के। अब अब्बासी खुलफा हुआ करते थे लेकिन कोई उनके पास हथियार या कोई उनके पास इख्तदार नहीं होता था, बस रबर स्टैम्प थे। उनको बनाते भी कोई और थे, बिठाते भी कोई और थे, उतारते भी कोई और थे। जो जिनकी कैफियत, जिनकी क्या है हुकूमत, जिनके पास कुछ ताकत थी, अलग 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 हुकूमतों में बट गए थे, सल्तनतों में बट गए, हुक्मरानों में छोटी छोटी टुकड़ियां, छोटी छोटी टुकड़ियां। यही वो जमाना था जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हो गए। हाँ, मैंने बताया ना, मैं ईसवी डेट लेके चल रहा हूं, इस वास्ते के समझने में आसानी हो। जैसे यहां पर इनकलाब आया और आप समझ सकते हैं कि 610 के वफात के बाद, 610 नबूवत, 632 वफात, 632 के 10 साल बाद बैतुल मक़दिस, और इसी से लगा लीजिए 600, 700, 800, 900, 999 यानी 1000 को एक साल कम, ईसवी डेट, हिजरी डेट 500 साल कम कर लीजिए। हाँ, 492 था उस वक्त, 492 हिजरी, और ईसवी एतबार से 1099, हाँ, क्योंकि 1197 में फिर दोबारा आया, तो 1099 साल चल रहा था जब ये फिलिस्तीन वापस इनके हाथों में चला गया। किन के हाथों में? सलीबियों के हाथों। वो कैसे, ये वाकिया भी समझ लीजिए अच्छी तरह। मुसलमान टुकड़ियों में बढ़ते चले गए, बगदाद का खलीफा जो सिर्फ उसको जो मानते थे मनवा सकता था, बजोर किसी को मनवा नहीं सकता था, बगदाद में छोटी मोटी उसकी हुकूमत थी या नहीं, तो इधर उधर जहां के खुद लोग आके मिल के कहते हम तुम्हारे साथ जुड़े हैं, जुड़ते थे, बस मसला खत्म। उसके अलावा जिस जिस के पास जो ताकत थी वो उसकी अपनी ताकत थी, खा वो छोटी सल्तनत हो या बड़ी सल्तनत हो। और इसी जमाने में जब ये कमजोरियां चल रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जंगी खानदान को ये तकवीयत दी कि वो लोग इस्लाम के लिए लड़े। ये जंगी खानदान में सबसे पहला बंदा जो मंजर आम पे आया वो इमादुद्दीन जंगी है। इमादुद्दीन जंगी के जमाने में मसला ये हुआ कि इन्होंने देखा कि ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते मुसलमानों के तमाम खुलफा के अंदर तो जासूस भरे रखे हुए हैं और खुलफा पूरे के पूरे इनके अंडर में दिख रहे हैं, लेकिन असल मसला उनका सबसे बड़ा ये बना कि उनकी अपनी जिंदगी का अहम तरीन वाकिया क्या था कि बैतुल मक़दिस उनके आंखों के सामने फलस्तीन इनके हाथों से गया। दो फ्रांस के और जर्मनी के दो बादशाह मिलकर अफवाह उड़ाई कि मुसलमान बहुत बहुत जुल्म कर रहे हैं फलस्तीन के वहां पर रहने वाले बाशिंदों पर, जो कि मादूद चंद ईसाई हैं।
ये प्रोपोगंडा ऐसा बड़ा जैसा हमारा करुणा बड़ा। हाँ, था नहीं, बड़ा। वो था तो बहुत कम, बड़ा वैसे ही बड़ा। और उसमें जो पोप था खास तौर पर, उसने ऐलान किया कि अगर इसको छुड़ाने के जंग में अगर आप लोग साथ दे दें तो सीधे जन्नत है। अब इस पर जो शैला बयानी उसने की, उस हैसियत से रिवायत करने वाले इब्ने असीर अल कामिल वगैरह में रिवायत करते हैं कि 10 लाख लोग जमा हो गए, 10 लाख लोग। और उन्होंने क्या किया, 1099 में, जो कि तकरीबन हिजरी एतबार से 13 शाबान 492 हिजरी थी, जिसमें जंग हुई जबरदस्त और आखिरकार बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ से निकल गया और ये लोग अंदर दाखिल हुए। इब्ने असीर और ख़ुद उनके अपने मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस तरह मुसलमानों को मारा गया, इस तरह मारा गया जिसको कलम लिखने की सकत नहीं रखती है, घोड़े के घुटनों तक खून बहा जा रहा था और 7 दिन कत्ले आम होता रहा, कत्ले आम होता रहा, और एक दिन में 70,000 मुसलमान कत्ल हुए। हत्ता के कत्ल के नित नए तरीके उन्होंने किए, किसी को बुर्जों के ऊपर से उठा के फेंका, किसी को क्या है बड़े बड़े अलाव तैयार करके फेंका, किसी को क्या है घसीटते हुए क्या है जमीन के अंदर उन्हें जख्मों से चूर करके फेंका। इस तरह एक बहुत बड़ा अजाब और एक बहुत बड़ी हंगामा आरई हुई और मुसलमानों को ईंट से ईंट बजा के वहां से निकाला गया और ये लोग मुकम्मल काबिज हो गए। जो बचे कुचे कुछ रह गए वो गुलामों की हैसियत से या नहीं तो टॉर्चर से नाम बदला के रह गए, बकिया सब कुछ चला गया। यही वो जमाना था। जाने के कुछ अरसे बाद इमादुद्दीन जंगी को अल्लाह ने कुव्वत दी, वो एक छोटे से एरिए के हुक्मरान बने। फिर उन्होंने क्या किया, इधर उधर हाथ पांव मारा तो उनकी सल्तनत थोड़ी सी बढ़ती गई, यहां तक कि दिमश्क, जो आज दिमस्कस कहते हैं, वो भी हाथ आ गया। तो एक बहुत बड़ा शहर था उस वक्त के लिहाज से, तो ये आ गया तो उनके अंदर कुव्वत पैदा हो गई। हालांकि खलीफा भी था अब्बासियों का, कंट्रोल कुछ नहीं था, रबर स्टैम्प था। तो इस हैसियत से इमादुद्दीन जंगी ने क्या किया, खुद से मेहनत की और सपोर्ट के लिए अब्बासी खुलफा को इनवाइट किया कि हम आपके मातहती में रहते हैं लेकिन हमें आप सपोर्ट करो कि हम बैतुल मक़दिस भी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सपोर्ट तो वहाँ कुछ नहीं रही, क्योंकि मुसलमानों की हालत आज ही की तरह थी। आज भी कोई हिस्सा उठ के कुछ कहे तो कोई हुकूमत आवाज़ नहीं देगी। हालत वही है जो हालत उस वक्त पहले से गुजरी है। आज लोग चीख लेते हैं यूं करता नहीं हूँ, जे ये पहले भी गुजरा जी तुमको तारीख नहीं मालूम, ऐसा कई मरतबा होता रहा है। शख्सियतें उठी काम की हैं, फिर बाद में हुकूमतें खामोश रही है। हाँ, ये कई बार हुआ है और इस बार भी होगा। महदी भी तो क्या है जी, हुकूमत लेके आएंगे क्या, नहीं शख्सियत ही उठेगी ना पहले, फिर तो हुकूमत बनेगी ना जी। आपको तारीख पता नहीं है तो आप बकवास करते हैं, वरना तो जो हुकूमतें आज है ना, वो मैंने सुना था किसी से कि जो अतराफ में जो मुस्लिम हुकूमतें हैं ना जी, वो खाली थूक देना पूरे रियाया मिलके, पूरे मियाया मिलके थूक देना, इसराइल डूब जाएगा। वो इतना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली थूक भी दें खड़े होके, हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार नहीं है। इधर हमारे लोग चीखते हैं कि हम हैं हम हैं हम हैं, और हमारे खिलाफ जो चीखते हैं वो देखो फलस्तीन ये हो रहा है, लेकिन और सऊदीया वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, इन्हों ये चीखे तो उन्होंने बोलते नहीं, हमारे अमीरुल मोमिनीन देखो क्या बोलते हैं तुर्की के, उन्होंने ही बोलते नहीं अब 40 रोज से, क्या भी उन्होंने पान खा ले को ही नहीं, सुपारी दाल ले को ही मालूम नहीं, उनको भी कोई स्टेटमेंट नहीं। तुम्हें जिनको अमीरुल मोमिनीन बोले उन्होंने भी तो कुछ करते नहीं। अब तुम्हें ना इधर बोलो ना उधर बोलो, तुम्हें कुछ करो ना पहले, क्या करो मौली साहब, अच्छे बनो भाई, तौहीद वाले बनो, अमल तो अच्छा करो, दुआएं करो, ये तो है ना तुम्हारे पास। हाँ, चीखते ना खुश नाजिला, खुनूते नाजिला के अलावा मैं जरा हाथ रख के पूछता हूँ, हाँ झूठ नहीं बोलना। हाँ, खुनूते नाजिला में कभी आमीन बोले रहेंगे ये लोग, हो सकता। मैं क्या पूछता हूँ इसके वास्ते, बोल को एक बार तभी रात में उठ को, एक 2 रकात नफिल नमाज पढ़ को,
अल्लाह के पास रो रो को दुआ करे, अल्लाह फलस्तीन में ये हो रहा है उनकी मदद कर। करे कौन तभी? जरा हाथ उठाओ, माशाल्लाह पूरे उठा लिए, देखो क्या जी है फिर दिलचस्पी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनाज़रीन व सामईन, बड़ी खुशी व मसर्रत के साथ इस बात की इत्तला दी जाती है कि अब तक बिहम्दिल्लाह MSLI चैनल के ज़रिए से आप फजीलत शेख हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी हाफिज़हुल्लाह के शार्ट टिप्स और स्टेटस समाप्त कर रहे थे। अब आप लोगों की आसानी के लिए हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी शार्ट टिप्स के नाम से एक अलग चैनल ओपन किया गया है, जिसके ज़रिए से आप शार्ट क्लिप्स ही पाएंगे। तफसीरी खिताबात के लिए आप MSLI चैनल की तरफ रुजू करें। आप तमाम से गुजारिश है, जल्द अज जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ज़रिए से रोज़ाना के अपडेट हासिल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। खुद को नहीं बना सके, वहां की बात कई को भाई कि इन्हें ये कर रहा वो कर रहा, उन्हें क्या कर रहा उन्हें जवाब देगा। सऊदी क्या कर रहा तभी हमारे से पूछेगा, बोले नहीं अल्लाह। हाँ, उन्हों करे उन्हों जवाब देंगे, उन्हों जो करना है कि उनकी उस्सत में जो है वो करते भी ही हकीकत में, हमें उसमें नहीं। तुम करे क्या, नारेबाजियों के अलावा करे क्या तुम बदले क्या, तुम दुआएं किए क्या, तुम कम से कम उसके लिए मैच छोड़े क्या? जी दर्द होता तो मैच देखते आज बैठ के तुमको, गज़ा में वहां बुलडोजर से उड़ा रहे हैं, वहां बमबारी हो रही है, वहां हॉस्पिटल उजाड़ रहे हैं, इनको सबसे पहले मैच मुतंजन और मिठाई याद आती है। हाँ, तुम्हें एक दिन के वास्ते तभी मंदी बंद करे क्या, अपने पेट का दोसा खाना बंद करे कब? तभी खुला रहता ना हमेशा, हाँ कभी बंद हुआ? तुमको क्या है रेड्स के तुम पूछ सको? वो अपना अपना काम कर ही रहे हैं, कम से कम तुम्हारा काम तुम करो ना। हमें आलमी सियासत पर बड़ी बातें करने के लिए दिलचस्पी है, बड़े बड़े नारे आ उन्होंने जी, सलमान पूरा अंडर में होगा जी, उन्हें इसराइली हुकूमत करता। अच्छा, तुम ना जा देख लेगा क्या, उन्हें बुला कर तुम ना क्या है रोका दिया कि आओ जी आपको देखो हमें किसके तहत चलते हैं। हाँ, एक मुसलमान से बदगुमानी नहीं कर सकते तो तुम्हें एक बादशाह से बदगुमानी करते? हाँ, इधर इखवानी वाले बोलते इन्हें ऐसा कर रहा, इधर सलफियां बोलते तुम्हें देखो वहां तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन देखो क्या कर रहा। मैं बोलता हूं कि दोनों अपनों को देखो तुम क्या कर रहे हो, मसला इच खत्म। अपने बिगाड़ को सुधारो ना भाई। हाँ, आज वही हालत है जो हालत उस वक्त भी थी। हुकूमतें तो थी अतराफ में, हिम्मत नहीं थी। अल्लाह ने किसी एक को उठाया, इमादुद्दीन है जो सबसे पहले उठे, और इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ कोशिश तो की लेकिन मोहलत ज्यादा नहीं मिली इनकी वफात, बल्कि ये शहीद हो गए एक अमेरिके में। तो इनके बेटे मंजरे आम पे आए और इनके बेटे का नाम ही है नूरुद्दीन जंगी। इमादुद्दीन के बेटे का नाम, जिनका नाम बहुत शोहरत रखता है खासतौर पर उस वाकये के तहत जिसमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके कहा कि मुझे इन लोगों से, इन दुश्मनों से बचाओ, जो यहूदियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर के लिए सुराख खोदा था। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल क्या है मौजू वाकिया है, बाज़ लोग कहते हैं कि तारीखी वाकिया है, बाज़ लोग कहते हैं हक वाकिया है, पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मशहूर तो इसी से हैं कि उन्होंने ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के कुछ फासिले पर सीसा पिलाई हुई दीवार को बांध कर वो पूरा रास्ता नीचे से बंद कर दिया कि कोई सुरंग के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक आज तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उन्होंने ही अपने ज़माने में मदीने के अंदर ये काम किया। ये तारीख का एक वाकिया है, अल्लाहु आलम, लेकिन शोहरत इनकी इसी से है। लेकिन इतना तो है कि सब मुत्तफिक हैं कि बड़े इबादत गुजार बंदे थे और अल्लाह से बड़े डरने वाले, और सबसे ज्यादा ब्यूटी ये थी कि बैतुल मक़दिस को ईसाइयों से छिड़ाने में सबसे बड़ी इंटरेस्ट रखने वाली शख्सियत थी, अपना धन मन धन लगाया। हत्ता कि उनकी सबसे बड़ी आरजू ये थे कि वहां को मैं खुद जाके फतह करूं, और फतह के बाद सबसे पहले मिंबर को मैं खुद रखूं, और वहां पर मिंबर पे खुतबा हो तो मेरे मिंबर पे हो। तो उन्होंने फतह के कई साल पहले बड़े बड़े
कारपेंटरों को बुला के एक बेहतरीन मिंबर बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल कामिल इब्ने असीर रहिमहुल्लाह अल कामिल में लिखते हैं कि इस जैसा मिंबर इससे पहले किसी ने नहीं बनाया, जो मिंबर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बना के रखा था कि बैतुल मक़दिस में फतह होगा तो मैं वो मिंबर रखूंगा, लेकिन अल्लाह ने उनको भी मोहलत न दी। आगे पूरा करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैं जो मिंबर ले जाके वहाँ रखे, और वहाँ उनको वहाँ पर अल्लाह ने ये चांस दी कि उन्होंने खुतबा दिया और वो मिंबर अब तक था 79 तक, जहाँ आग लगी बैतुल मक़दिस की तो वो मिंबर भी जल गया। और ये आग लगाने वाला एक यहूदी शख्स था, जो 79 में बहुत बड़ा गलाटा जो हुआ था ना, बहुत बड़ी आग लगी थी बैतुल मक़दिस में, अब के ज़माने में ये प्लान आग लगी थी, हमको वही पता नहीं, हमारे अपने ज़माने की बात है। अच्छा, तो अब ये नूरुद्दीन जंगी के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सल्तनत की तौसी की, तो दो अफराद इनसे मिलते हैं जो बड़ो जंगू हैं, जंगजू भी हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के रिलेशन में आते हैं। एक इनके बाप नजमुद्दीन अयूब और एक इनके चचा, ये दोनों क्या हैं, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास बहैसियत सिपाही दाखिल होते हैं। नजमुद्दीन अय्यूब के दिल में भी बड़ी तड़प होती है कि किसी भी तरह हम फलस्तीन को वापस लें, और इनके भाई नजमुद्दीन अय्यूब के भाई जो सुल्तान अय्यूबी के चचा हैं शेरकोह जिनका लकब है, उनकी भी बड़ी तड़प होती है। लेकिन राह यही नजर आती है कि हम पहले नूरुद्दीन जंगी की फौज में अंदर तो आए ताकि हम कोई बड़ा काम कर सकें। नूरुद्दीन जंगी इनको देखते हैं तो इन दोनों के जज्बात से और इन दोनों की बहादुरी से बड़े मुतासिर होते हैं, और इसी ज़माने में मालूम होता है कि मिस्र बिल्कुल भी बिगड़ गया है और अब्बासियों के हाथ से निकल गया है और फातिमियों का कब्ज़ा है। अब ये सब अल्फाज ऐसे हैं कि हर एक की तशरीह कम से कम मुझे 10-10 मिनट तो करना पड़ेगी क्योंकि हम तारीख से बिल्कुल नावाकिफ हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। अगर मैं वक्त लूँगा तो भी आप सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं बताएंगे। कितना सुनेंगे प्लीज़ आप, क्या कि तुम्हें बोले बोल को बैठे लेकिन खींचे तो कैसा बैठेंगे, सब बोलेंगे सतना, तो इस वास्ते मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब शेख लियाकत साहब भी सोचते कैसा इनकी ज़बान बंद करना वाले को, देखा तो 9:40 हो गई, अभी मैं पॉइंट पर भी नहीं पहुंचा, अब क्या करूं मैं। असल एक बार ये बात तो जहन में रख लीजिए कि मिस्र ही नहीं, छोटे छोटे ममालिक अब्बासिया के हाथ से निकलते गए, और ये निकलते गए ना, ये गुमराह फिरकों के हाथों बनते भी गए, हुकूमतें उनको मिलती रही। उनमें एक बड़ी हुकूमत का नाम है फातिमी हुकूमत, जो हज़रत फातिमा के नाम से उन्होंने क्या किया, हुकूमत डाली, और थे असल से अंदर कट्टर शिया, और शिया में वे बदतरीन शिया, जनादिका जिसे कहते हैं, गुमराह तरीन फिरक, हाँ, जिनका इस्लामी कुछ और था, नशा हशीश जिना शराब जुआ सब हलाल था उनके पास, लेकिन थे नाम लेके मुहिब्बाने अहले बैत, जो आज करता ना शीनु या आइनुहा भुल्ला नहीं से, उन्हें भी एज करता, हाँ यही हालत थी। ये दरअसल आहिस्ता 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 अंडर आता गया, यहां तक के इनका आखिरी बादशाह मिस्र में अल मलिकुल आदिल था। हाँ, ये जो था ना, इसका जो आखिरी जमाना था, उस वक्त नूरुद्दीन जंगी के जहन में यह बात आई कि इससे ज्यादा हम नहीं छोड़ सकते इसको, ये फातिमियों को कैसे भी कत्ल करना है, तोड़ना है, यहाँ से मिस्र से निकालना है इनको। अल मलिकुल आजिद इनका आखिरी बाज था, आदिल नहीं आजिद। तो इन्होंने क्या किया, शेर को जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चचा भी थे, उनको और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को नायब की हैसियत से दोनों को भेजा कि जाएं आप वहाँ पर अब्बासी खलीफे का नाम खुतबे में पढ़े, यानी उनकी हुकूमत को फिर दोबारा लाएं और ये फातिमियों को कत्ल करें किसी भी तरह। अब ये लोग आए, सबसे बड़ा जायज़ा लिया, और उन्होंने क्या किया, काम शुरू किया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन शियों को जो हज़रत फातिमा के नाम पर तो हैं लेकिन अंदर से सबसे बड़े कट्टर कुफर और शिर्किया काम करने वाले और हरामकारी में सबसे पहले हैं,
इनको पकड़ो मारो। इन्होंने क्या किया, फौज अलग करके इन्होंने क्या किया था, सुन्नी और इनकी फौजों को मिला लिया था। बड़ी वो एक लंबी दास्तान है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस दिलचस्पी और किस जेरकी के साथ उन्होंने उन सबको अलग किया और ऐसा करके तन्हा छोड़ दिया अल मलिकुल आजिद को कि वो रोने पे मजबूर हो गया कि एक बार तो आ, मैं कुछ बातें आपसे कह के अपनी जगह वापस लेता हूं। सुल्तान उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा कि मैं आना तो दरकिनार, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता हूं। और ऐसे ही वो शराब पी 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 के नशे में मर गया। ये जब मरा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया कि आज से अब्बासी खुलफा का नाम लिया जाएगा, और जुमा के खुतबों में हमारा फातिमियों से कोई ताल्लुक नहीं, फिर सुन्नी हुकूमत कायम हो गई। अब कुछ दिन चली, जिसके डायरेक्टर शेरकोट थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी वफात मिस्र में हो गई। तो डायरेक्ट सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खुद बादशाह मिस्र का बना दिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को। अब ये डायरेक्ट बन गए मिस्र के फरमा रवा, पूरे पूरे मिस्र के। अब उन्होंने जिस नज़्म व नक़्श से मिस्र को इकट्ठा किया, लोगों को उभारा, फलस्तीन के लिए तैयार किया, फौजें इकट्ठा की, और लोग इनकी ईमानदारी और इनके तख्वे पर और इनके जो कुछ जिहाद के जज्बे पर इकट्ठा होते चले गए। ऐसे इंसान थे कि उन्हें अपने खाने पीने की भी होश नहीं रहती थी, और बहुत ही कम जिंदगी गुजारने वाले थे, कोई जानो माल की परवाह नहीं थी, ना अपने लिए कोई संतरी और सिपाही रखते थे, सिर्फ वो दौड़ लगाते थे अल्लाह के लिए, जिहाद के लिए लोगों को उबारते थे। और ऐसे कई कई दिन गुजर जाते थे जहां पर इनको खाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। ऐसे इन्होंने फौज बनाई। इसी असना में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूरुद्दीन जंगी को भी उठा लिया। इनकी वफात तो बिल्कुल नॉर्मल हुई, लेकिन बास कहते हैं कि नहीं, इनके गद्दारों ने महल के अंदर, कुछ गद्दार ईसाइयों के आ गए थे जिन्होंने इनको जहर दिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। लेकिन मौत भी बड़ी प्यारी थी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि दमिश्क के एक किले के अंदर एक हुजरे में ये नमाज में मशगूल थे, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। नूरुद्दीन जंगी की वफात हो गई। वो मिंबर जो मिंबर रखने की तमन्ना में उन्होंने दमिश्क में बना के रखा था, वो तमन्ना पूरी न हो सकी। हत्ता के उस वक्त उम्र सिर्फ 7 साल थी हजरत नूरुद्दीन जंगी की। जब वफात की खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंची तो वो तड़प उठे। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप की तरह मानता हूं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को, उनकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश मैं पूरी करके रहूंगा, और इंशाअल्लाह वो मिंबर वहीं पर रखूंगा जहां रखने की सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरा मकसद भी बैतुल मक़दिस है, काश मुसलमान मुझे रास्ता देते। ये लफ्ज क्यों कहे, इस वास्ते के सबसे पहले रुकावट करने वाले खुद मुसलमान मुनाफिक लोग थे जिन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बना ली थी सल्तनतों के। जब वो फलस्तीन की राह में चलते तो सबसे पहले मजाहमत करने वाले खड़े होते ईसाइयों से पहले खुद मुसलमान, इस वास्ते के कहीं इनकी सल्तनत न चली जाए। छोटे छोटे किलों के मालिक थे, हर किले वाला चाहता था कि सुल्तान अगर आ जाएगा तो मैं उसकी पैरवी करना पड़ेगा, इस वास्ते सुल्तान आगे ना आए। तो पहले खाना जंगियां बहुत हुई मुसलमानों के खिलाफ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाना पड़ा, कईयों जंगें हुई। अल्लाह हर जंग में फतह देता रहा, लेकिन हर जंग से पहले वो दुआ करते थे अल्लाह कुर्बान, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल कर ले। वो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मैं मजबूर हूँ, मैं इन मुसलमानों के खिलाफ हाथ उठाना नहीं चाहता, लेकिन बैतुल मक़दिस की राह में आके बैठे हुए हैं, अगर ये अट जाएं तो इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, चाहे भाड़ में जाएं, कुछ भी कर लें, नशा कर लें, लड़कियां रख लें, जिना कर लें, मैं नहीं पूछूंगा, मैं तो सीधे फलस्तीन जाऊंगा, लेकिन इन बदबख्तों को मुझसे डर है कि मैं इनके किले छीन लूंगा। इस लोग ये लोग ईसाइयों से पहले मेरे सामने आ खड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं, मैं मजबूरन इनके खिलाफ हाथ उठा रहा हूं।
कभी कभी तो पूरे जंग में ऐलान करते कि लोगों मुझसे क्यों लड़ रहे हो, मैं तुम्हारे लश्कर में एक अदना सिपाही की हैसियत से लड़ने के लिए तैयार हूं, अगर तुम बता दो कि तुम्हारा मकसद भी बैतुल मक़दिस फतह करना है तो मैं अपनी बादशाहत छोड़ता हूं, मैं तुम्हारे नज़दीक एक सिपाही की हैसियत से आना चाहता हूं, मुझे सिर्फ रास्ता दे दो, तुम्हारे कामों से मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये बदबख्त लोग, दुनिया की जब हवस आती है, जब अकल अंधी हो जाती है, जब शिर्क बुतपरस्ती और खुराफात बिदआत राइज हो जाते हैं, फिर इंसान की अकल अल्लाह ताला जायल कर देता है। इसी वास्ते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लिखते हैं अपने किताब में, और उनके साथ रहने वाले जो के बेहतरीन मुअर्रिख भी थे, वो कहते हैं कि कई साल उन्हें बैतुल मक़दिस तक पहुंचने के लिए हो गए, इस वास्ते के दरमियान में खुद मुसलमानों की छोटी छोटी सल्तनत वाले वाली और हुकुमरा उनके आगे खड़े हो गए। साजिशें करने वाले कौन? ईसाइयों से पहले खुद मुसलमान साजिशें करने वाले। ईसाइयों को सपोर्ट करने वाले कौन? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ सपोर्ट करने वाले ईसाइयों के खुद मुसलमान किलेदार अपनी छोटी छोटी सल्तनत न जाए। इन सब को हटा के आते 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 उमर का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। आप अंदाज़ा लगाएं जी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश है 1130 पर 8 और बैतुल मक़दिस गया है 1099। मैंने बताया ना, अब ज़रा अंदाज़ा लगाओ, पैदाइश 30 पर 8 है तो 99 में गया है, तो जब इनकी पैदाइश हुई तकरीबन 40 साल हो चुके थे फलस्तीन ईसाइयों के हाथ में जाके। फिर इन्होंने दरअसल मिस्र के वाली बने कोशिशें शुरू की, तो तकरीबन इनकी उम्र 30 साल तो रही होगी। लेकिन जब इनके हाथों फतह हुआ तो उस वक्त 1180 पर 7 ईस्वी थी, 1180 पर 7 पैदाइश। सुल्तान अय्यूबी की पैदाइश क्या? 1130 पर 8, 30 पर 8, 80 पर 7, तो उम्र क्या रही होगी? क्या मौल साहब, हमें ये सब कहां सुनते हैं? लगाओ ना भाई, 80 पर 7 ये 38 निकालो, 78 से निकालो, बराबर बोले 50 साल के करीब थी उस वक्त उम्र, 49 थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। और इन्हों 20 साल में भी बैठे या 30 साल में भी आए मिस्र में, तो इनको फलस्तीन पहुंचते पहुंचते 20 साल लगे। दरमियान में कौन आए आड़े? मुसलमान। सीधे पहुंचने नहीं दिए, एक एक को एक एक से जंग करते जंग करते, हटाते हटाते, साजिशों को मिटाते मिटाते, पहुंचते 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 87 आया, जबकि सुल्तान की उम्र 50 के करीब हो गई थी। तब जाके जो जंग लड़ी गई, खास तौर पर हित्तीन के मुकाम पर, बहुत बड़ी जंग थी। इस जंग में गया कि मुसलमानों ने ऐसी जंग लड़ी कि कहते हैं कि इब्ने असीर और इब्ने कसीर सब मिलके, ये दरअसल बैतुल मक़दिस की फतह की सबसे पहली जंग थी। यहां से काबू में आ गए सब लोग, ईसाई वगैरह। अब इसके ऊपर खुला मंजर था, यहां तक के बैतुल मक़दिस बहुत करीब था। ये आगे बढ़ते गए और बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जी जिगर से लड़ रहे थे, आगे आगे होते थे, मुसलमान भी बड़े जोश में थे। और इधर इन लोगों की भी ठानी हुई थी कि हमको मरना है देना नहीं है, दो तरफ से भी बड़ी सख्ती थी, दिन पे दिन गुजर रहे थे। यहां तक कि इनके बड़े जो थे ना, उन्होंने अंदाजा लगा लिया ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम सुल्तान अय्यूबी का मुकाबला कर सके। अब उन्होंने क्या किया है, सफेद झंडा लहराया है कि हम कुछ तो कुसलाह करने वाले हैं, लेकिन हमारे शरायत होंगे। सुल्तान ने कहा कि जो भी हो, मैं भी खून रेजी नहीं चाहता, आओ बात से अतब खत्म करना है तो कर लेंगे। तो इनका वफ्द आया, उन्होंने कहा कि हमें ये रियायतें चाहिए,
सुल्तान ने कहा कि सब रियायतें, कोई मसला नहीं, जाओ तुम जितना सोना ले जा तक जाओ, जितना माल जाओ, क्या कुछ ले जा रहे हो मैं नहीं पूछूंगा, बस चले जाओ। हां फीकस एक मर्द को 10 दीनार देना पड़ेगा, एक औरत को 5 दीनार देना पड़ेगा और एक बच्चे को 2 दीनार देना पड़ेगा। इंसाफ देखिए अल्लाह, करोड़ पूरा फलस्तीनी इन्हीं के हाथ में है, सबको कैदी बनाते और पूरा कब्जा कर लेते, कोई पूछने वाले, ये तो क्या है, मजबूर हो क्या आए हुए हैं। इंसाफ देखिए, इसी वास्ते ये आज भी ईसाई भी तरफदारी करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इंसाफ के। उन्होंने कहा कि तुम्हारा माल है ले जाओ, घर में सोना है ले जाओ, जवाहरात ने ले जाओ, तुम्हारे अपनी चीजें ले जाओ, मैं नहीं पूछूंगा क्या ले जा रहे हो। लेकिन जाते वक्त फीकस एक मर्द को 10 दीनार, एक औरत को 5, बच्चे को 2, बस इतना पे करो जाओ, हम तुम क्या ले जा रहे हैं नहीं पूछेंगे। अब काफिले बनते गए, क्या क्या समटना है, समटते गए। जो बड़े बड़े पोप और मलिका जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कि हम अपना पूरा खजाना ले, कहा कि ले जाओ, हमको दौलत से मतलब नहीं, ले जाओ तुम आजाद हो। उन्होंने अपना लाउ लश्कर तैयार करके ले गए, हत्ता के सब कुछ जाने के बावजूद भी कई गुलाम, कई गरीब, कई फकीर इतने बच गए जो कि 5-10 दिरहम भी दे के छुड़ा नहीं सकते अपने आप को, वो बच गए। उन्होंने आके कहा, सुल्तान आप फयाज हैं, आप बड़े सखी हैं, अपनी तरफ से ही पे कर देना, हम आजाद हो जाएं। सुल्तान ने कहा बड़ी अच्छी बात कही, ये भी तैयार हूं, मेरी तरफ से भी 1000 लोगों की आजादी है, मैं खूब पे करूंगा सल्तनत को, हर हिस्से का मर्द होगा तो 10 पे करूंगा, औरत होगी तो 5 पे करूंगा, बच्चा होगा तो 2 पे करूंगा, मैं अपनी हुकूमत को और तुम 1000 लोगों को मैं निकालता हूं। सुल्तान के भाई अल आदिल थे, उन्होंने सुना तो कहा कि सुल्तान आपकी फयाजी तो जारी रहती ही रहती है, लेकिन मैं कभी कभी फयाज बनता हूं, तो जब आप 1000 दे रहे हैं तो मैं 2000 दे रहा हूं, 2000 कैदियों को मैं रिहा कर रहा हूं, 2000 के पैसे मैं सल्तनत में जमा कर रहा हूं। देखो यही तो है मुसलमानों की असल अमानत, यही सो है अदल इंसाफ, यही तो असल चीज थी जिसके लिए इन लोगों ने आंखें बिछाई थी, अल्लाह ताला ने हुकूमतें इनके सुपुर्द की थी। ये ब्यूटीज चली गई, सब कुछ चला गया, इंसाफ खत्म, मुसलमान के हाथ से भी सब सल्तनतें खत्म। इंसाफ जब तक था अल्लाह ने हुकूमतें दी हुई थी। इस तरह बहुत से लोगों को सुल्तान आजाद करते रहे, फिर भी कुछ बच रहे। उनकी बीवियां आके सुल्तान के पास खड़ी हो गई, कहा कि हम तो अपना देने का रखती हैं, हमारे शौहरों का देने का कुछ नहीं है, आप हमारे खातिर उनको माफ कर दें, आपकी फयाजी बड़ी मशहूर है। तो जितनी औरतें आई हुई थी सबके शौहरों को उन्होंने कहा कि जितने इन लोगों के शौहर यहाँ पर मौजूद हैं सब खड़े हो जाएं। सब खड़े हुए तो कहा कि सब जाएं, उनके जिन्होंने मांगा उनके लिए मैंने फ्री कर दिया तुम लोगों को, चले जाओ तुम, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। इस तरह फयाजी का ऐसा आम सलूक किया कि ईसाइयों के आंसू निकल गए। हालांकि जब इन्होंने कैप्चर किया 88 साल पहले मुसलमानों के इतना खून बहा, टखनों तक खून था, लेकिन वही वापस लिया 80 साल पहले। 80 साल इनके हाथों में रहा, किनके हाथों में, ईसाइयों के हाथों में। 80 साल बाद यानी 1099 to 1187 में जब वापस मिला, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फयाजी का ऐसा चश्मा बहाया कि सब खुश होकर निकल गए। फिर उन्होंने पाक करवाया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तहारत ऐसी करो, ऐसी सफाई करो कि चमकता बन जाए बैतुल मक़दिस। और इत्तेफाक से उस वक्त अभी ज़मीन, वो मिंबर नहीं था जो मिंबर वो साथ लाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि पहला खुतबा तो मैं दे ही दूंगा। इसके लिए उस वक्त के सबसे अहम तरीन मुकाम पर जो ख़ज़ा पे थे उनको खड़ा किया और उन्होंने सबसे पहला खुतबा अरबी में ऐसी फसाहत और बलागत का दिया कि लोग कई 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 घंटों तक रोते रहे। फिर नमाज पढ़ी गई, फिर
इसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो मिंबर भी ले आके फिट किया जो नूरुद्दीन जंगी रहिमहुल्लाह ने मिंबर बनाया। फिर इसके बाद उन्होंने वहाँ पर खुतबा दिया, फिर इसके बाद पूरा कंट्रोल अपने कंट्रोल में किया और इसके बाद से लेकर 1948 तक ये मुसलमानों के कब्जे में रहा। और 1948 टू 2023 75 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक उन्हीं के कब्जे में है, लेकिन वो मुद्दत पूरी नहीं हुई जो 88 साल 80 पर 8 साल जब माजी में रहा। हो सकता है आज भी 80 पर 8 साल बनते बनते अल्लाह फिर दोबारा हमारे हाथों में दे दे, लेकिन शर्त यह है कि याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क न करो, दरगाहों को मिटाओ, मस्जिदों को बनाओ। मेरा आंदोलन है ये, यही मेरा आंदोलन है। क्या क्या आंदोलन करते हैं, मेरा एक ही आंदोलन है, मस्जिदों को आबाद करो, दरगाहों को मिटाओ। बोलो, सब बोलो, डंके की चोट पे बोलो। क्यों नहीं बोलते हैं हम? फसाद तो यही जड़ है। अगर दरगाहें मिट जाएंगी तो अल्लाह ताला की रहमत आएगी। अल्लाह की रहमत रुकी हुई है तो इन शिर्क के अड्डों की वजह से रुकी हुई है। तो इस तरह इसके बाद सुल्तान सिर्फ और सिर्फ 6 साल रह सके, क्योंकि जिंदगी का एम खत्म हो गया। अब तो चाहते भी यही थे कि अल्लाह से मुलाकात हो जाए। बस 6 साल 1187 में और 93 में वफात, इधर के 3 इधर के 3, 6 साल। और ख़ास दुआएं करते रहते थे, बीमार पड़े, बुखार आती जाती थी, जब भी होश आता तो दुआएं करते थे कि ऐ अल्लाह, जो काम था मेरा वो तो तूने ले लिया, बस अच्छी मौत दे। पूरी ज़िंदगी घोड़े पे, कईयों को तहतेग़ इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाला, लेकिन शहीद नहीं कहलाया, अपने बिस्तर पे तबई मौत मरा, जैसे खालिद इब्नुल वलीद भी अपने बिस्तर पे तबई मौत हो गए। हाला वबिल्लाहि तौफीक वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीयना मुहम्मद असअलुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्बिन फस्तग़फिरू इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, बड़ी खुशी व मसर्रत के साथ इस बात की इत्तला दी जाती है कि अब तक बिहम्दिल्लाह MSLI चैनल के ज़रिए से आप फ़ज़ीलतु शेख हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी हाफिज़हुल्लाह के शार्ट क्लिप्स और स्टेटस समाप्त कर रहे थे। अब आप लोगों की आसानी के लिए हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी शार्ट क्लिप्स के नाम से एक अलग चैनल ओपन किया गया है, जिसके ज़रिए से आप शार्ट क्लिप्स ही पाएंगे। तफसीरी खिताबात के लिए आप MSLI चैनल की तरफ रुजू करें। आप तमाम से गुजारिश है, जल्द अज जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ज़रिए से रोज़ाना के अपडेट हासिल करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।